peace of Atma, then you have to surrender to the lotus feet of Baladev. जब तक बलदेव जी क्या है अखंड गुरु तत्व है बलदेव इज ऑरिजिनल गुरु. ऑरिजिनल गुरु मीन्स अखंड गुरु तत्व. फ्रॉम देयर फ्रॉम हियर गुरु तत्व कम्स आउट. बलदेव प्रभु जी अखंड गुरु तत्व है. जब तक केवल बलदेव जी के चरणों में आश्रय नहीं लेगा तब तक उसका कल्याण नहीं है. बलदेव जी गुरु जी हैं. कैसे कृष्ण लीला में उन्होंने सबसे पहले धेनुकासुर को मारा. इन कृष्ण पास टाइम दे किल्ड धेनुकासुर. धेनुकासुर इज पुलिस. धेनुकासुर गधा है. गधा मीन्स डंकी. डंकी किसको कहते हैं? हु इज कॉल्ड डंकी? हु इज हु आर इन शेप ऑफ मैन हु हैव टू लेग्स एंड टू हैंड्स. इन शेप दे आर लाइक मैन बट दे आर डंकी. इफ दे आर नॉट डूइंग भजन ऑफ कृष्णा. यदि भगवान का भजन नहीं करते हैं तो सभी लोग गधे और सुअर और पशु हैं. आहार निद्रा भय में तुनंच सामान्य वेतत पशु भिन्नराणम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषान धर्मे नहिना पशु भी समानम. यदि कोई भगवान का भजन नहीं करता है तो पशु है. वो टंकी है. एंड बलदेव क्रूज दैट टंकी सो दैट इन नेक्स्ट Next birth, he will be man and he will be servant of Krishna. इसलिए बलदेव जी धेनुकासुर को मारते हैं जो अज्ञानता है. और भी एक समय बलदेव जी तीर्थ यात्रा करते 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 कुरुक्षेत्र में पहुंचे. वंस बलदेव बाय ट्रैवलिंग इन universe and the holy places of India, he came to Kurukshetra. And from Kurukshetra, where Krishna was there, Kurukshetra mein Krishna wahan par the, aur Kaurav Pandav mein keval matra Duryodhan bacha tha, aur Duryodhan se Bhim se parajit ho raha tha. Us samay mein तो जिस समय पराजित हो रहा था उस समय कृष्ण के इशारे से भीम ने गदा से दुर्योधन के जंघ को तोड़ दिया. बलदेव जी बड़े बिगड़ गए. एकदम फेरी से बिगड़ वो ये अन्याय का युद्ध हो रहा है तो अधर्म युद्ध हो रहा है. अपना हल और मुसल उठाया. आज भीम को अभी मारूंगा. ऐसा उठाया मुसल और इधर से हल लिया. गर्दन में डाल करके खेच करके मारे. कृष्ण ने कहा जो सारो सारो कहिए आप भी ऐसा करा रहे हैं. अभी चुपचाप ठहरिए. ये दुर्योधन ने द्रौपदी को नंगी करके अपने अपने जंघे पर बैठाना चाहा. उसे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. तत्रैव गङ्गामनुनादिराधा
आरोज्य मध्ये तु निमग्न नौका कृष्णो हि राधानुगल उपभौ स गो वर्धनो मे दिशतामभीष्टम् प्रमदमदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नवजूनो कंदमस्मिन् नमन्नम् इति किल कल्लार्थम् लब्धकस्तद्वयोर्मे निज निकट निवासम् देहि गोवर्धनम् मे। सब लोग बोले निज निकट निवासम् देहि गोवर्धनम् निज निकट निवासम् देहि गोवर्धनम्। ये गिरिराज गोवर्धन जी कृष्ण के नित्य परिकर हैं, गोलोक वैकुंठ ब्रज धाम से यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं कृष्ण की सेवा के। कृष्ण सेवार जन्म तिनि एखने जखन श्वेत बांध रामेश्वर बांधा छिल तखन हनुमान हिमालय थीके इन्हा के निये आसछिलेन। हिमालय से हनुमान जी ला रहे थे पुल बांधने के लिए। जब यहाँ पर लेकर के पहुँचे इतने में रामचंद्र जी ने खबर भेजा जो जहाँ तक पर्वत लाया है जे जेखने थी पर्वत आरण करे छे से वही खाने रखे थे। पुल बंद गया मैंने पुल बांधा हो गलो आठ दर कारण है। हनुमान जी ने यहाँ पर और भी कथा है। काशी में गंगा जी तो हैं किंतु रम्य भूमि रमणीय पर्वत और वृक्ष इत्यादि नहीं। जैसे मुक्ति बात शुष्क होता है शुष्क है मुक्ति और रकम वही बहुत धामता है शुष्क। कैलाश में केवल बर्फ पड़ा है कोई पेड़ पौधे ये सब कुछ नहीं रसमयी भूमि है सब वहाँ पर बर्फ से और यहाँ पर कोई वृक्ष इत्यादि नहीं। वहाँ ऋषियों ने सोचा यदि यहाँ पर कोई पर्वत रमणीय वन उपवन रहता पुष्प यहाँ रहते तो बहुत ही सुंदर पुष्प रमणीय वन इत्यादि था तो ताले बेस भालो। कोई ऋषि कुलस्थ ऋषि चले गए द्रोण के यहाँ बोले जब तुम अपना पुत्र दे दो हम ले जाएंगे। अच्छा अपना हमारा पुत्र तो बड़ा प्यारा है इसको कैसे दें? नहीं देगा तो अभी संपाद दे देंगे ना दिला भी संपाद दे। अच्छा बाबा जैसे महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी को विश्वामित्र के लिए दे दिया दिए दिए छे वही रकम दिए दी मंगोली हो गए ताई कि नहीं दिए दिले इसीलिए उनको दे दिया। इन्होंने कहा जब मैं जाऊँगा तो ठीक है अमी जाबो किंतु अपवित्र अवस्था तमा के लिए जीते हमें ना अपवित्र अवस्था से हमको मत ले जाना और यदि कहीं बीच में रख दिया तो हम उठेंगे नहीं तो ठीक है हमको मंजूर है हमारा मंजूर है बस उठा करके ले चले। और यहाँ आया तो बड़ी जोर से पेशाब लग गया। और पवित्र अवस्था में तुमको रख नहीं सकते अपवित्र अवस्था पर रखते बैठे ऐसा जोर से हुआ कि मालूम है जब कपड़े में हो जाए। कहा जी गिरिराज जी आप यहीं पर थोड़ा सा ठहरिए मैं अभी अपवित्र अवस्था में तो आपको धारण करूँगा नहीं। गिरिराज गोवर्धन मुस्कुरा करके नीचे उतर गए। जब उनका वो हो गया स्नान स्नान करके के फिर आए जब स्नान करे प्रयास लें कहे अब हमारे उंगली पर उठ जाइए। कहे अब तो मैं जाऊंगा नहीं भाई चाहे जो कुछ भी कर ली तो जाएगा नहीं तो नहीं इतना दूर से लाया तुम जाएगा नहीं तो जाओ यदि नहीं जाएगा तो अभी संपा देंगे जो इच्छा हो तुम कर दो अब इस स्थान से मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा यहीं पर रहूँगा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं जाएगा तो एक एक क्षण एक एक तिल घटता जाएगा एक एक तिल तुम्हें क्षीण हो गए यदि ना जाओ। एवं मस्त हमको मंजूर है मरना मंजूर है किंतु इस स्थान से जाना हम मंजूर कृष्ण का भजन करेंगे तो जीवित रहेंगे यदि भजन ही नहीं आता जीवित रहने की जरूरत क्या यदि हम भजन ना करें तो ये जीवन की प्रयोजन आर एक हंत क्या हमें लौड़बो ना। बस ऋषि बड़े दुखी होकर के चले गए। तब से गिरिराज जी को बस दिखलाया जा रहा है जी ऐसे अनेक तो नित्य काल से ही यहाँ है नित्य कलिया यहाँ पर वो स्थान है बड़ा रसमय स्थान है। गोविंद कुंड में ऋषियों का यज्ञ हो रहा था ऋषिगण ने यज्ञ हो चिलो गोविंद कुंडे और गोपीराज सब दधि माखन दूध
এই সব যজ্ঞের জন্য, হোম করবার জন্য, আহুতি দেবার জন্য ঘি ইত্যাদি সব মাখন ইত্যাদি নিয়ে যাচ্ছে, মাখন লেকর কে যা রহে হ্যায়। জব ইহাঁ পর ইধর সে ইধর পার হোকর কে ইধর আয়েঙ্গি, ওই হচ্ছে দান ঘাটি, ওই রাস্তাটা, ওটা এসেছে কামে বন, আর ওই সব বলি স্থান থেকে এদিকে যায় অথবা এখান থেকে ওখানে যায়। দু পাহাড়ো কে বীচ মে যে সকরি রাস্তা হতা হয় উসকো কাহতে হ্যায় দান ঘাটি। অভি হামলোগ দান ঘাটি ওহাঁ দে করকে আয়ে, 15 রুপিয়া দে করকে তব ইসমে প্রবেশ কিয়ে, এসে নাই আনে দেঙ্গে ইহাঁ। তো কৃষ্ণ ইহাঁ পর লঠিয়া লে করকে খড়ে হো গে, গোপিও সে বোলে, আরে গোপিও তুমরো এসে হি রোজ রোজ দধি লে করকে আর দুধ লে করকে পার হো যাতি হ্যায় আর কভি ভি ট্যাক্স নাই দেতি, দান নাই দেতি। কাজে তরে বাপ কা হ্যায় যে হাম দান দে, ये तो हमारा है, तुम्हारा तो बन है ही नहीं। कह नहीं, ये बन मेरा है, मैं महाराज नंद का लड़का हूँ और ये राज्य हमारा है। तो गोपियों ने कहा, ये तेरा कैसा है बतलाओ। ललिता जी बड़ी प्रचंडा हैं, उन्होंने कहा जिसे तुम बतलाओ, प्रमाण दीजिए तुम्हारा है। उन्होंने कहा, वृंदा हमारी औरत है, वृंदा हमार पत्नी, অত যখন বিবাহ হলো তখন বৃন্দা দেবী এই রাজ্যটা আমাকে দিয়ে দিলেন, তাহার রাজ্যটা নিজে থেকে হয়ে গেল, দিতে হয় না। পত্নীর যে রাজ্য কি পত্নীর কোনো সম্পত্তি ও পতির নিজে থেকে হয়ে যায়, পত্নী কি কোই ভী সম্পত্তি পত্নী কা হো যা, পত্নী মালিক উসকা হো জাতা হ্যায়, ইসলিয়ে মে ইসকা রাজা হুঁ আর মে বৃন্দা বনেশ্বর। গোপিয়ে নে কাহা, আচ্ছা উসে বুলা লো। গোপিয়ো বৃন্দা দেবী কো বুলাও, বৃন্দাবন কে ডাকা, বৃন্দা দেবী কে ডাকা হো, বৃন্দা দেবী কে ডেকে নিয়ে আসলো গোপীগণ। তুমি সত্যি সত্যি বলো, এই কালার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছে কি, তোমারই শাদী ইস কালে কে সাথ মে তোমারা হুয়া হ্যায় কি, ইয়া ঝুঠ বোল রাহা হ্যায়। কাজী ইসকো তো মে পহচানতি নাই হুঁ, ইসসে হামারা কবি কোই সম্বন্ধ নেই হ্যায় ইস কালে সে, ইয়ে তো জানতি নেই হো, এক মহারাজা কা লড়কা, একটি মহারাজার ছেল, পরম সুন্দর সব দিক দিয়ে খুব ভালো, কিন্তু ব্রজের একটি কোনো মেয়েকে বিবাহ করতে চায় না, এই জন্য আজ পর্যন্ত এর বিবাহ হয় নাই দেখো, তাহলে বুঝো যে কত গুণী ছেলে। নেই সমঝ না করেন কি, ইতনা বড়া হো গিয়া और बड़ा सुंदर देखने में, और राजकुमार, और इसकी कोई भी लड़की ब्रज की छोटी सी लड़की भी किशोरी इसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए आज तक ये कुंवारा रह गया, तो कोई कारण जरूर इसमें रहना चाहिए, कोई जरूर कारण है। राधिका जी ने ये बात कही, इसकी शादी नहीं होती है, कोई राजी ही नहीं है इस पे, तो जरूर कुछ बात है, ये बहुत झूठा आदमी है और किसी से प्रेम नहीं करता है, ऊपर से सबसे दिखलाता है, इसलिए इसकी शादी ही नहीं, और सत्य है ये कोई भी शादी इसे नहीं करे। और तब पूछो तो ये वृंदा जी ने कहा, जे नहीं नहीं, इससे हमारी कोई शादी की कोई बात ही नहीं, कोई चली ही नहीं, और हम यदि कोई बात भी चलती तो हम इसे शादी नहीं करे, इससे हमारी कोई शादी नहीं। सब गोपियाँ मिल करके ताली बजा करके हंसने लगी, कृष्ण बड़े लगे, कहीं नहीं नहीं फिर भी हमको देना पड़ेगा, देखी कहे कैसे बस हड़िया लुटना और फूटना कर दिया। गोपियों ने भी उनको मक्खन मक्खन थोड़ा सा दे करके और खिला करके, यही दान घाटी के यहाँ पर लीला है। कृष्णचंद्र जी ऐसे ही कंदर, प्रत्येक कंदरे कंदर में सखाओं के साथ में घूमते हैं, सखियों के साथ में यहाँ पर विहार करते हैं, दही और मक्खन लूटते हैं, और न जाने कैसी कैसी सब लीलाएँ करते हैं, गइयों को पानी पिलाते हैं मानस मानसी गंगा में, गोविंद कुंड में, राधा कुंड में, कुसुम सरोवर में, वो उधर में एक गैया सुरभि कुंड में पिलाते हैं, अपने पानी पीते हैं, अभी देखते हैं कोई पेड़ नहीं, आम का पेड़, केले के पेड़, कदम्ब के वृक्ष, ऐसा कोई पेड़ नहीं, ऐसा कोई फल नहीं, ऐसा कोई फूल नहीं जो इसमें गिरिराज गोवर्धन में नहीं होता, सुंदर सुंदर पुष्प उसमें होते थे,
और कुसुम सरोवर, उसका नाम ही है कुसुम सरोवर। सुंदर सुंदर वैजयंती माला गुथकर कृष्ण को गोपियां देती थी और कृष्ण अपने सखाओं के साथ में गुथ करके राधा जी के लिए उनके गले में डाल देते। इसी तरह से यहाँ पर लीलाएं होती थी। भक्त लोगों ने देखा कृष्ण का लीला नहीं, अब उनको खोजने के लिए ये परिक्रमा करते हैं। मांगने के लिए कुछ नहीं, सोचते जा राधा और कृष्ण कहाँ के चंद्रे में होंगे, और रोते रोते चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं उनको। ये गोवर्धन परिक्रमा का तात्पर्य है। ये नहीं कि गोवर्धन जी मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ, हमारे 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती इसके लिए नहीं, हमारे घर पर घर बन जाए, खूब संपत्ति हो जाए, धन हो जाए। स्त्री हमारी हमको प्यार नहीं करती है, हमको प्यार करने लग जाए, ये सब नहीं। बस एक प्रार्थना करना चाहिए गिरिराज जी के चरणों में, जो पहले तो अपने निकट में निवास दें और हमारी आकांक्षा पूर्ण करें। वो भक्ति के अतिरिक्त और कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी श्रेष्ठ उनकी आकांक्षा है भक्तों की, वो मैं नहीं, जैसा चाहिए भाव गिरिराज जी के चरणों में निवेदन कीजिए। यह हमारी ऐसी कामना है, वो हमारी कामना है। तब गोपियों की दासी के अतिरिक्त और कोई वर उनसे न मांगा जाए तो अच्छा है। इसके बाद में आप लोग जैसे हम यही कह करके आप ध्यान से परिक्रमा करते हैं, हम लोग चलेंगे बहुत तेजी के साथ में। हम लोग चलेंगे, हमारे बेस्ट भालो करे चल गो। एक जने जहाज दे चलते पार में ना तारा तांगा नहीं ले, এইখানে অনেক বেলা হয়ে গেল, এখন আমাদেরকে পৌঁছতে হবে রাধাকুণ্ডের সামনে, ওইখানে আমাদের প্রসাদ ইত্যাদি। এই জন্য আপনারা সব গৌ প্রমাণ বচ্চে তো একদিন ঘর মে পকওয়ান বন রা থা পকওয়ান বনছে মানে কি পকওয়ান সব বন রা কি হচ্ছিল সুদা মা রান্না করছে আর ছক 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 তখন কৃষ্ণ মায়ের কাছে কৃষ্ণ
लक्ष्मी मैया के पास में चले गए, मायर का छे दिए और तहाँ चले थे बस में आ तारे घर घरे बोल माँ आज के तुम्हें की कर सुंदर सुंदर पकवान खबर दवार ये सब हो कार्यजन्य हो वर्षगांठ अच्छे ना कि हमारी क्या वर्षगांठ है ये बना रही है मैया, तो कुछ हमको भी दे दे। जसोदा माँ जी थोड़ा सा रुष्ट हो गई तो तुम जाओ खेलो उधर, अपनी गोदी से लेकर के उनको हटा दिया, ये बार बार बाधा देता है, बार बार विघ्न डाल छे। तब कृष्ण के आंखों में आंसू छलक आए, कृष्ण चोखे ते जल एक टू एसेगा बाबा बास बास से बाहर बसे छिलो बाबा के पास गए, वो नंद बाबा के पास, अब बड़े प्रेम से उनकी गोदी में बैठ करके बोलने लगे। तार खोले थे बसे प्रति संगे तहार दाढ़ी धरे बोल बाबा आज के माँ की कर छे, आज अम्मा जी माता जी क्या कर रही है, आज तो हमसे बोलना भी नहीं चाहती हैं और हमको दुत्कार दिया और यहाँ पर आपके पास में आया, आज क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी तुम जानता नहीं है हमारे परिवार में परंपरा से परंपरा धरे कहीं को तो बसर धरे हमारे यही रीति नीति चले आसे एक हमारा इंद्रदेवर यज्ञ कर, आज के हमारे इंद्रदेवर यज्ञ दिन आज के पूरी मालपुआ कचौड़ी नहीं है घरे घरे थे इंद्र याग हो गई, इंद्र की पूजा होगी और उसके बाद में उनका जो प्रसाद होगा सब लोग मिलकर के। और जब पिताजी ये इंद्र का यज्ञ क्यों, इंद्र यज्ञ क्या ना होच्छे, इन्हीं बोलेंगे से इंद्र माध्यम वर्षा दे, वर्षा द्वारा फसल है गम छोला मटर मसूर धान ये सब भी है, गाछे ते फल है सरोवरे ते जल है, जल ना थे हमारा जल होच्छे जीवन, जल ना पेले गेले हमारा मारा जाए, आ फल मूल कंद आर अन्न ना थाकले आमरा ना खेबे, आर घास ना थाकले गोरुरा थाक खाबे ना तारे दूध की रकम होबे। अतए ब्रजेर जीवन ही होच्छे कि जगतेर जीवन होच्छे जल, आ जल दाता होच्छेन इंद्र, एई जन आमरा इंद्रिय जोग्य होच्छे इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं। मुझे जहाँ पर गोवर्धन की पूजा नहीं होती, जहाँ पर इंद्र की पूजा नहीं होती, जेखने इंद्र पूजा हो ना सेखने की वर्षा हो ना, सेखने की धान गम चावल अन्न इत्यादि फल फूल हो ना, सेखने की गाभी थाके ना, इंद्र रिटा कार्य न हमारे गोवर्धन यदि ना थाके ताले जल पावा जाबे ना, ये मेघ के गिरिराज गोवर्धन धारण करें और तार संगे द्रवित हुए मेघ जल वर्षा, এখানে বন জঙ্গলেতে ফুল ফল কন্দ মূল ফল এইসবগুলি হয় আর ফসল হয় আমাদের গোয়ের গাভীর হচ্ছে জীবন স্বরূপ গোবর্ধন, গোবর্ধন গো মানে গোপ, গো মানে গোপী, গোপ গো মানে গাভী, গো মানে গোবৎস, গো মানে গোপাল পালগণ, আর গো মানে ইন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বচা আর বাক পানি পাক পাই উপাস সমাদের সমস্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয়, গো মানে জ্ঞান, গো মানে বেদ, বহু অর্থ হয় সকলকে বর্ধন করেন, বিশেষ করে গোপ গোপী গাভী সবকে যিনি বর্ধিত করেন তাদেরকে জীবিত রাখেনের জন্য তার নাম হচ্ছে গোবর্ধন। আমরা সকলে মিলে আজকে গোবর্ধনে পূজা করলে ভালো, তিনি বলছে তাই হবে তুমি যা বলছ, ছোট বাচ্চা কিন্তু তোমার বুদ্ধি তো খুব তীব্র। আচ্ছা বাস তিনি ঢোল বাজিয়ে দিলেন সমস্ত ব্রজেতে, নগারা বজবা দিয়া আর ঘোষণা কর দি আজ হম লোক যায়েঙ্গে গিরিরাজ গোবর্ধন মে, আর সভি লোক আপনি ঘর মে বনায়ে হুয়ে পুরে পকওয়ান রবড়ি মলাই ক্ষীর দুধ সব লে করকে যায়েঙ্গে আর গিরিরাজ গোবর্ধন কি পূজা করেঙ্গে। সকলি নিয়ে গরুতে গরু গাড়িতে ছাকড়াতে, ছাকড়া মানে গরু গাড়ি, আর এইসবগুলিকে জিনিসপত্র রেখে
সব ব্রজবাসীরা 84 ক্রোশ ব্রজমন্ডলের মধ্যে যত আছে সব লোক এইখানে তো উপস্থিত হন। 14 মাইল একেবারে ভর্তি হয়ে গেল সব চারুদিক দিয়ে গোপ গোপীর দ্বারা, আর সকালে থাল লাগিয়ে দিল এইখানে তো বিরাট চারুদিকের জায়গা হয়ে গেল, পুরীর পাহাড় হয়ে গেল, মালপুয়ার পাহাড় হয়ে গেল, অন্যের ঢেরি হয়ে গেল পর্বত, এইরকম হাতে পুয়া পকোয়ান সব কিছু হয়ে গেল। পরে কৃষ্ণ গিরিরাজ গোবর্ধনের কাছে দাঁড়িয়ে ছোট্ট বাচ্চা বলছে, প্রভু আপনি আজকে এই ব্রজবাসী গর্ণিকটকে সাক্ষাৎ রূপ ধারণ করে দিয়ে আপনি প্রসাদ পান, তাহলে বুঝব যে সে আপনি গিরিরাজ। তখন এক নিজে থেকে একটা আর রূপ ধারণ করেন, একটা আরাধক হয়ে গেল, একজন আরাধ্য হয়ে গেল, এক ভক্ত বন গে, দুসরে ভগবান বন গে। তখন গিরিরাজ রূপেতে বিরাট আকার ধারণ করেছেন, আর ওইখানে উপরে সে দেখছেন মন্দির, ওইখানে দাঁড়িয়ে গেল। আর এক এক মাইল, দু মাইল, 10-10 মাইল লম্বা হাত করে দিলেন, হাত লম্বা করে দিয়ে, আর কৃষ্ণ যখন ভোগ দিলেন, এতত নৈবেদ্যম ওম গিরিরাজায় নমঃ বলবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দুই হাতেতে ধরে একবার খেলে 1 মিনিটের মধ্যে যা কিছু ওখানে ছিল সব কিছু তিনি খেয়ে নিলেন। আর খেয়ে এইখানে পাশে গোবিন্দ কুণ্ড আছে, ভর্তি জল, জব জল পান করে নিলেন, তাতে না হলো তাহলে মানসী গঙ্গার জল তিনি সব তিনি পান করলেন। বলেন যে আরো নিয়ে এসো, আরো নিয়ে এসো, আনোরে আনোরে, এটা হচ্ছে ব্রজ ভাষা, আনোর মানে আর লে আও, আর মুঝে ভুখ লাগিয়ে, ভুখ মেরি কুছ ভি কম নেই হি, পেট অভি ভরা নেই, তো দাঁত কে নিচে এক মে চলা গেয়া, একটি দাঁতে তোলাতে যা দিয়েছিল সব চলে গিয়েছে, আর মাঙ্গনে লাগে। কৃষ্ণ নে হাত জোড় করতে কাহা, হম লোক গরিব ব্রজবাসী হ্যাঁ, আমরা গরিব ব্রজবাসী, আমাদের যা ছিল আপনার চরণেতে আমরা উপস্থিত করেছি, আর আমাদের কিছু নাই, আপনি এইটাই সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন গিরিরাজ একটু জল খেয়ে বেকার মারলেন, বেকার দিয়া, আর ইসকে বাদ মে তো দেখা গিয়া তো জিতনা যো থা দ্রব্য সব কা জ্যাসা কা তেসা ওর ভি পট গিয়া, আর সব যা ছিল সব গুলি পূর্ণ হয়ে গেল। তখন ব্রজবাসীরা খুব আনন্দিত। কৃষ্ণ বললেন যে দেখো তো, আজ পর্যন্ত ইন্দ্র কি এখানে কোনোদিন প্রকটিত হয়ে খেয়েছিল কি খায় নাই, অত সেটি অলক্ষিতভাবে সবগুলি আছে, অত যদি কেউ দেবতাও থাকে তাহলে গিরিরাজ গোবর্ধনের সেবক হতে পারে, গিরিরাজই ব্রজের রাজা, আমরা তাহার প্রজা, অতএব আজকে আমাদের যজ্ঞ সফল হলো, তোমাদের যা ইচ্ছা এনার কাছে বর মাঙো। সকলে কি বর মাঙল, আমার কৃষ্ণ ভালো থাকে, যত লোক ওখানে ছিল, যত ব্রজের গোপ গোপীগণ, সকলে গিরিরাজ গোবর্ধন কাছে মাঙল যে আমাদের আর কিছু চাই নাই, আমাদের এই যে ছোট্ট থেকে যে কানাই লালা এইটি ভালো থাকুক, এর কোনো বিঘ্ন বাধা না হোক, এইটা আপনি বর দেন। তারপরে সকলে খুব খেলো, আর খাওয়া দাওয়া করে দিয়ে, আর কীর্তন করতে 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 গিরিরাজের গোবর্ধন এইখান থেকে পরিক্রমা করলো, নন্দ বাবা যশোদা আর সবগুলি বৃদ্ধগণ গরু গাড়িতে বসলো, ছোট ছোট বাচ্চারা মালপুয়া খেতে খেতে পরিক্রমা করতে লাগলো। এখানে জুঠো ফুঠোর কোনো প্রয়োজন নাই, বৈরাগ্য ত্যাগের এখানে কোনো স্থান নাই, তারা খেতে খেতে পরিক্রমা করতে লাগলো, আর গরুগুলিকে আগে রেখে দিল, লক্ষ লক্ষ গরুগুলি আগে চলতে লাগলো, আর ওই ধুলাতে ধূসরিত হয়ে সব লোক গিরিরাজ গোবর্ধনে জয়কার করতে করতে পরিক্রমা করতে লাগলো। বলো গিরিরাজ ইসকে বাদ মে পরিক্রমা হো গই, ঘর মে সব লোক চলে গে বড়ে আনন্দ সে, আর দিন রাত ইহি চিন্তা হতে রহি। ইতনে মে ইন্দ্র কো পতা লাগা যে হামারি পূজা নেই কি বস বিগড় গে, আর 49 প্রকার কে পৌনো সো লে করকে মুসলাধার পানি, মুসলাধার মানে বেশ মোটো মোটো ধারা, হাতি কে শূন্য কে সমান ধারা সে একদম বর্ষা করনে লগে, আর প্রলয় কে সমান থোড়ে দের মে হি একদম ব্রজ কো ডুবা দিয়া। আজকাল অভি শীত নেই পড়ি, ঠান্ডা নেই পড়া, এখন অভি ঠান্ডা পড়ে নাই,
অন্যান্য বছরেতে খুব ঠান্ডা পড়ে যেত এই সময়তে। এই গিরাজের পূজা কয়েকদিন পরেই হবে, তখন বেড়ে বেড়ে দু দু তিন তিনটি লেপ লাগত এইখানে। এবছর কোন সব সিজন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ওই সময়তে বর্ষা আর প্রচুর বর্ষা সব ডুবে গেল আর ব্রজের লোক সব মরতে লাগলো, গরুগুলিকে থাকবার স্থান নাই। তখন ওরা এসে কৃষ্ণের শরণাগত হওয়াতে কৃষ্ণগিরি রাজ গোবর্ধনকে ধারণ করেন আর তাহার ওই যে গর্ত তার মধ্যে সমস্ত অসংখ্য ব্রজবাসী গোপীগণ ওর ভিতরে প্রবেশ করলো গরু গোবিন্দ সময়ে। গোপীরা নিজের নজরের উপরে থে দৃষ্টির উপরে থে গিরিরাজ গোবর্ধনকে টেঙে রেখেছিল, গিরিরাজ যদি তুমি পড়ে যাও নিচে তার তোমাকে ভস্মীভূত করে দিব। আর ছেলেরা কি করলো যে কৃষ্ণের কোন উপরেতে ভার না হয় এই জন্য তারা লাঠি নিয়ে এইরকম আর লাগিয়ে আমরা ধরছি, কৃষ্ণ তুমি কোনো চিন্তা করো না, তুমি শুধু হাতেতে ছুঁয়ে রাখো, বাকি তো আমার সব ধারণ করো। এই প্রকারে তো তারা ধারণ করলো। ইন্দ্র সাত দিন পর্যন্ত বর্ষা না কতদিন করলেন, সাত দিন কিছুই হলো না, বজ্র দ্বারা আঘাত করলেন। গিরিরাজের মনে হয় যে আমার চুল কানি একটা হয়েছে, কিছুই তাহার হয়নি। বড় আনন্দ যে আজকে কৃষ্ণ আমার অঙ্গুলিতে আছেন, আমারে অঙ্গুলি পর ও খড়ে হ্যাঁ গিরিরাজ গোবর্ধনী, আজ আনন্দ কা উনকা কোই ঠিকানা নেই, আজ হামারা জীবন সফল হো গিয়া। কৃষ্ণ কি উস সেবা করনে কে কারণ গিরিরাজ জি ভগবান ভি বন গয়ে, হ্যাঁ তো ভক্ত কিন্তু জসে হরি আর হর এক হো যাতে হ্যাঁ মিলকর কে, এক নহি প্রিয় কে অর্থ মে এক। উসি প্রকার সে গিরিরাজ গোবর্ধন কভি লোগো নে কাহা যে ইহি ভগবান হ্যাঁ, ঠিক হ্যাঁ ভগবান জো নহি লেঙ্গে গিরিরাজ গোবর্ধন জি দে ক্যা দে সকতে হ্যাঁ, গিরিরাজ জি জো কুছ মাঙ্গো ওহি দে দেঙ্গে। ইসলিয়ে যশোদা মাইয়া কো নন্দ বাবা কো ভি কুছ মাঙ্গনা হোতা হ্যাঁ, যদি কুছ মাঙ্গবারো থাকে তাহলে গিরিরাজ গোবর্ধনে পরিক্রমা দিয়ে তার কাছে প্রার্থনা করে তিনি পূরা করেন। আমরাও আর কাহারও পূজা করি না আর কিছু কা আশ্রয় নেই লেতে, বাট যদি কই জরুরত হ্যাঁ তো গিরিরাজ জি সে কাহতে হ্যাঁ, সংসার ফুকার কানে না পশিবে দেহ রোগ দূর দব, সংসার কার জিতনা হামারা রোগ হ্যাঁ ভব রোগ সব রোগ যারা দূর রহে, আর সংসার কি সংসার কে ঝগড়ে কি বাতেন দুঃখ কি বাতেন, আজ হামারা পতি মর গয়া, আজ উসকো টিবি হো গয়া, আজ উসকো ক্যান্সার হো গয়া, উসনে আপনি স্ত্রী কো ছোড় দিয়া, উসকি লড়কি ঘর সে নিকল গই, উসকা লড়কা বড়া অবাধ্য হো গয়া, আজ হামারা ঘর গির গয়া, আর তরহ তরহ কি বাতেন হ্যাঁ হে গিরিরাজ গোবর্ধন জি হামারে কানু মন আয়ে, হামারা চিত্ত চঞ্চল নাই হো, নিশ্চল চিত্ত সে আপকে কৃষ্ণচন্দ্র জি কা রাধা জি কে চরণো কা হম লোগ ভজন কর সকেন, এসেই সব প্রার্থনা করতে হবে। এসকে বাদ মে ইন্দ্র জি দেখা যে কুছ নাই হুয়া তো ঝট উহা পর সুরভি জি কো লেকর কে উনকে চরণো মে প্রণাম কিয়া আর ক্ষমা মাঙ্গা আর ফির উনকা অভিষেক কিয়া ওহি গোবিন্দ কুণ্ড হ্যায়। হম সংক্ষেপ মে কেবল বতলা রহে হ্যায়, বহুত দূর চলনা হ্যায় আর জলদি জলদি চলনে কি চেষ্টা আপ লোগ করেন, 11 বজে কে পহলে হি হম লোগো কো রাধা কুণ্ড কে সমীপ মে পৌঁছনা হ্যায়, ইসলিয়ে উহা পর ক্ষমা মঙ্গায়া। ভগবান নে ক্ষমা তো কর দিয়া কিন্তু অন্দর সে নহি হুয়া ক্ষমা, ইন্দ্র কো অভিমান থা মে দেবতাওঁ কা রাজা হুঁ বিশ্ব কা পালন করনে বালা হুঁ, কৃষ্ণ কো ভুল গয়ে বস কৃষ্ণ উনু কো দণ্ড দিয়া আর উনকি পূজা কো ছড়া দিয়া। তাহলে বড়া মনোরম দৃশ্য থা এই পর হমারে রাঘব সঙ্গীত ভজন করতে থে। Thank you.
taking bath at Manasi Ganga, the town of Govardhan.
is Shamakand. This is Radha Khan. काम कर रहे हैं वास्तव में हमको मिलना चाहिए ये पंडा जी ले लेते हैं अरे जिसको पास नहीं है वो रहने दे हम दे देंगे অনেক লোক পিছনে আছে কারণ करेगा ऐसा कह करके वो सब तारा खेलते लाग लें खेलते खेलते हठात करे कौन से पोठी पाठी मैंने कौन से तरह के पाठी है छे एमन एक असु से तार नाम छिलो ब्यमासु व्यवसाय जोग माया तारा जान जोग सब नहीं जानते आर तारा जोग प्रभावित थे छोटो बड़ो है जे तो रूप पालते लितो कतो रकमे तारा की करते এখন সেটি একটা সুন্দর কিশোর গোপ বালক বনে গেল আর বলে কৃষ্ণের নিকটে আসবে কৃষ্ণ তাহাকে একবারতে অঙ্কেতে ভরেছেন বুকেতে লাগিয়ে নিয়েছেন উনকো পকড় করকে গলে সে লাগা প্যারে সখা তুম ইতনে দিন তক কহাঁ থা মে তো তেরে লিয়ে খোঁজ রহা থা যে তুম হমারে সাথ তুম রহো আমি
তোমার জন্য আমি প্রতীক্ষা করতেছিলাম, তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারছিলাম না। ও তুমি আমার উপরে কৃপা করে তুমি এসেছ, আর তোমার সঙ্গে আর কোনোদিন ছাড়ব না। সে বলছে আজকে বেশ সুযোগ হয়েছে, এর আমাকে চিন্তা পারে না, আমার উপরে তো খুব তাহার বিশ্বাস হয়ে গেছে, এখন আমার কাজ হয়ে যাবে। তখন কৃষ্ণ বললেন বলদেব প্রভুকে যে আপনি একদিকে আমি একদিকে, আমার সখা থাকবে আমার দিকে, এরকম করে দিয়ে খেলাধুলা হতে লাগলো। বেশ খেলা জমে উঠেছে, এখন এই বনেছে চোর আর ছেলেরা বনেছে মো, ভেড় বন গে। আর খেলতে 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 জিনকি হার হয়ে যাতি, উনকো কুছ আপনে কন্ধে মে বিঠা করকে চলনা হতা ইয়া কোই অর কুছ পণ দেনা হতা। আর ও ক্যা করতা, সেটি কি করে ওই এক একটি ছেলেগণকে নিয়ে আর ওই যে গুফা দেখা যাচ্ছে ওই গুফাতে নিয়ে বন্ধ করে দেয়। বাহ, যখনই কেউ হারলো কি জিতে যায় গুফা দেখ রে, তখন বিরাট বোধা ছিল ভিতরে আছে নাকি কি, ভিতরে অনেক রাস্তা, দু চার হাজার লোক ওর মধ্যে ভিতরে রেখে দিতে পারা যায় কন্দরা। হ্যাঁ, ওসমে আদমি চলে যায়। আরে ঐসি ঐসি কন্দরায় ও পাহাড়ো মে হ্যায়, সুনতে হ্যায় গোবর্ধন সে লেকর কে ভরতপুর যা নাথদ্বার তক ও ভিতরে ভিতর চলা গেল। চিত্রকূট মে ঐসি গুফায় হ্যায় জেসে লাখো আদমি ওসমে কাহাঁ জানে কাহাঁ চলে যায়। तो इसमें लेकर के समस्त अधिकांश सखाओं को लेकर के बंद कर दिया। कृष्ण ने कहा जी हमारे सखालों को मैं देख नहीं रहा, कहाँ गए खेलते खेलते। बलदेव जी के तरफ में इशारा किया, बलदेव जी ने कहा ये आप साधारण ये है वो कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस, इस पर निगरानी रखो। देखते देखते कृष्ण ने देखा, अब सावधानी के साथ में सावधानी संग देख रहे সে একটা ছেলে তাকে ধরে আনিয়ে যে ওই কন্দরাতে চলে গেল। কৃষ্ণ দেখে যে সে ওই কন্দরাতে এটা নিয়ে যাচ্ছে, তখন বলি আচ্ছা ঠিক আছে চলে গেল। তারপরে যখন ফিরত আসলো তখন চেক করে কৃষ্ণ তাকে ধরেছে, ধরবার সঙ্গে সঙ্গে বিকরাল রূপ ধারণ করেছে, বিশাল রূপ। তখন বলদেব দেখলেন যে সে একে মারলে পৃথিবী কম্পায়মান হয়ে যাবে, এই জন্য ওখানে একটা পাহাড় আছে, পাহাড়ের উপর পায়ে ধরে এমনি ভাবে দাবিয়ে দিলে ওনার চরণ চিহ্ন ওখানে আছে। তখন কৃষ্ণ তাকে ধরে আর তাকে ফেলে দিয়ে তার গলাটা চেপে দিয়ে তাকে মেরে ফেলে, আর তারপরে ওই কন্দরার উপরে যে বিরাট পাথর ছিল তাকে উঠিয়ে দিল, আর সে তার মধ্যে সখাগণকে ফেরাবার নিয়ে। সখাগণ অত দুর্বল যে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তারা খুব বলমান, আর অসুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে না, আর কৃষ্ণকে হারিয়ে উঠে। কেউ ये जोग माया का प्रभाव, अपना बलाबल नहीं जानते, जैसे हनुमान अपना बल नहीं जानते। हनुमान जी जब बोल जाने ना कोई को मेरा जाने ना, उनको याद दिलाओ जोग माया प्रभाव थे कि तार निजे शक्ति सामर्थ्य सब बुली के तारा भूले है क्या। कृष्ण ने तो लीला ही हो गई, वही सोखाई चाहिए था कि मेरे फेल तो कल यार लीला हो तो नहीं, लीलार जन्म तारा ये सब शक्ति प्रभाव ये सब कुछ ही विस्तार करे ना। तारपर कृष्ण नहीं এইরকম করতে করতে প্রায় দু খবর পড়ে, তখন তাদের খুব খিদা লেগেছে। তখন আমরা যাচ্ছি সেখানে ভোজন থালি, ওইখানে তারা খাবে, ওইখানে পর্বত পাহাড় একটু কিছু কিছু ছোট আছে, উসমে উনোনে থালা জেসা কল্পনা করকে উসিকে উপর মে আপনা রখ করকে মাইয়া নে জো কুছ ভেজা হ্যায় রোটি অথবা জো কুছ মিশ্রি মক্খন ইয়া জো কুছ ভি ভেজা, বস ওহি পর রখ করকে টেটি কাচা और रख करके सब खान गई। और वहीं पर एक आसन भी है जिस पर कृष्ण को राजा बना करके बैठा दिया, और कृष्ण उस बड़े आनंद के साथ में बैठ करके तरह तरह की लीलाएं करने लगे। हम लोग भी उसी लीला स्थल में जाएंगे, आप लीलाओं का स्मरण करें। गौ प्रमाण और आकर के फिर सभी लोग लूट लाट करके सब खाया करते। अच्छा।
और ये कृष्ण का सिंहासन है, उधर में, और चारों तरफ में खाली कटोरी चारों तरफ में बनी हुई है, जहाँ जो पाता वहीं पर खा लेता। अभी हम लोग ले करके ले लेंगे, तब फिर यही पर इसकी धूल सिर पर सब लोग लेंगे। जोर तक कुछ है Hare Krishna किसी ने पीछे से इसको खोद करके बना दिया, ऐसा मत समझना। क्यों? इसके बहुत से कारण हैं, बहुत से प्रमाण हैं। क्या आज से 5000 वर्ष या और कितना वर्ष, 1000 वर्ष पहले पुराण लिखा गया, और प्रत्येक पुराणों में ही कृष्ण की लीलाओं के संबंध में, गर्ग संहिता में ये सब का उल्लेख है, भोजन थाली का, और उसमें भोजन की थाली हुआ है और सखाओं लोगों के साथ में खाया करते थे। शंकराचार्य जी आए, इसके बाद में मध्वाचार्य, रामानुज भी आचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य भी आज से कितना, कितने 100 वर्ष पहले आए, 600 वर्ष, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और आकर के इनका दर्शन किया और यहाँ की धूली लिया और नित्य कीर्तन करते थे, प्रेम में आविष्ट हो जाते थे। जब हम लोग एक बार पहले आए, इसका पानी इतना सुंदर स्वच्छ था और इसमें सिंघाड़ा, इसमें पानी फल एकदम इतना सुंदर, सब लोग खाने लग गए उसमें देकर के।
वो आदमी आया लठिया लेकर के। फिर हमने कहा जब पैसा ले लो भाई, यहाँ पर मूली इत्यादि होता था, हमने सोचा जब मूली है तो आप लोगों को मूली खिला दे। तो मूली काजी ने कहा तो कौन है तो दो चार किलो ले आना पैसा दे कर। इसके बाद में यहाँ पर कृष्ण की सब लीलाएं हो आ करती थी। वो चार अरे 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 এইখানে কৃষ্ণের কত রকমের যে লীলা হতো তাহার ইয়ান এইখানে যশোদা মায়ের বিহত বিহার মানে ক্যা বাপের বাড়ি যশোদা মায়ের কৃষ্ণের মামা বাড়ি এইখানে। আর এইখানে পাণ্ডবের স্থান আমরা যাবো ওখানে দেখাবো। এখানে দুর্যোধনকে গন্ধর্বরা পরাস্ত করেছিল। এইখানে দুর্বাসা ঋষি তিনি এসেছিলেন পাণ্ডবগণ কাছে, পাণ্ডব কি হ্যাঁ আয়ে থে 60,000 শিষ্যকে লেকর কে যে যুধিষ্ঠির ইত্যাদি কো হম অভি সম্পাদ দে দেঙ্গে, কিন্তু ইহীঁ পর উনকা মান মর্দন হো গয়া, ইহাঁ সে ভাগ গয়ে। কৃষ্ণ নে থোড়া সা খা লিয়া সাত অকাদে তৃপ্ত উসমি তৃষ্ণ পেট ফুল গয়া, বস ভাগ গয়ে। আরে ওরা কি করলো ইহাঁ পর পাণ্ডব লোক বহু দিনো তক গুপ্তবাস কিয়া। यहाँ पर कामेश्वर महादेव समस्त प्रकार की कामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर कितने सैकड़ों कुंड हैं, लुकलुकी कुंड, जहाँ पर कि बच्चे सब डूब करके और खेल में फिर ऊपर जाते थे। श्रीमती राधिका जी एक किनारे में खड़ी रहती और सखा लोग एक तरफ में स्नान कर रहे हैं, वो भी एक मील दो मील लंबा। ऐसा यहाँ पर पोखर भी है, एक मील तो नहीं किंतु थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। बस कृष्ण वहीं से डूब करके घड़ियाल बनकर मगर बनकर के उस पार निकल जाते और उनका पैर पकड़ लेते, कहिए क्या पकड़ लिया, और इतने में छोड़ करके फिर जहाँ रहते थे वहाँ चले जाते। यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती काशी ने भजन किया था। उनकी निष्ठा कैसी है, हमारे पास में पैसा नहीं, वृंदावन कैसे जाए, घर बेच देंगे, घर नहीं है तो लड़की है तो उसको भी बेच देंगे, किंतु वृंदावन जाएंगे। अभी लड़की भी बेचने के लिए नहीं है, कोई नहीं लेगा तो क्या करेंगे, बीच बाजार में खड़ा कर उसको खड़ा कर देंगे, तभी हम वृंदावन जरूर जाएंगे। अर्थात मान सम्मान सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में हमको जा करके भजन करना है। तो यहाँ पर बहुत दिनों तक उन्होंने भजन किया था। यहाँ पर 84 कुंड या कितने हैं, नंद का भवन जिसमें 84 खंभे हैं, इधर से गिनो तो कोई बढ़ जाएगा, इधर से गुनो तो कम जाएगा, वो पूरा ठीक ठीक आता नहीं है। यहाँ पर जक्ष और अर्जुन उनका पांडवों का दुर्योधन महाराज का संवाद हुआ था। किम आश्चर्यम, क्या आश्चर्य है, वहाँ पर हम सब सुनाएंगे। ऐसे ऐसी सब लीला स्थली है कृष्ण की, यहाँ पर सब सुंदर रूप से ये सब हुआ। हम लोग लीला स्थली को प्रणाम करके और तब फिर आगे चलते हैं। হরে রাম হরে মুখ
adventures to do that kind of stuff. लगाया लगा करके दबा दिया जिससे कि पृथ्वी अच्छा तब उसको उठा कर यहाँ पर सब बच्चे लोग बच्चे लोग खेल कूद करने के लिए यहाँ जाते अपनी गैया बछड़ों को सब छोड़ देते यहाँ पर पर्वत पर और ये चरने लगते। उस समय में यहाँ पर सुंदर सुंदर घास थी, सुंदर सुंदर तालाब से सरोवर थे, छोड़ दिया ऊपर चरने लगे। और तब कृष्ण यहीं पर ऊपर से पिछलते थे, सब बच्चे लोग पिछलते थे, बड़ा उनको आनंद आता। इसके नाम पिछल पहाड़ी हो गया, ये भी उसी समय की है। ये हम एक बार गए थे गुरु जी के साथ में, मुझे याद नहीं आ रहा, एक पहाड़ पर हम चले गए, शायद यही था या उसमें हिरण का चिन्ह, गौओं के बछड़े के चिन्ह, गौओं के चरण चिन्ह, हजारों हजार एक दो नहीं, ऐसा बजाया बंसी, सब पहाड़ का पहाड़ पूरा कर गया। और उस पर जितने गौए बछड़े जो कुछ थे और सखा के चिन्ह सब, अब उसके बाद में हमने कभी देखा ही नहीं, तो याद ही नहीं ये गाँव कौन सा पर्वत, किंतु कामे बन में है, काम बंद करता। अरे वाह, प्रभु प्रभु आप और अपने पानी पीते थे और इसी में भूख करके उधर में अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक बद्रीनाथ और इधर में है केदारनाथ, ठीक केदारनाथ जैसा ही चढ़ा और जैसा बद्रीनाथ का है वैसा ही। हम लोग अपनी परिक्रमा के बाद में एक दिन जाएंगे केदार और बद्री में जाएंगे, वो चार ऊपर डुबले नहीं पड़े ना, हमारा जो उधर का जो ताड़ का है ना और वही वाला, हाँ हाँ पहले पानी भरा रहता था पानी, ये सब कृष्ण का वो चारण का स्थान है। काशी में यशोदा जी का एक कुंड है, আগে একটা কুন্ড হয়েছে না ওইটা কি বললো বদ্রীনাথ, এইটা হচ্ছে কেদারনাথ।
जयपुर नरेश ने जो भी मंदिर बनाया है उस मंदिरों को तोड़ फोड़ देंगे और विग्रह को भी तोड़ देंगे। इसलिए औरंगजेब बड़ा धर्मांध था, हिंदुओं को भी जबरदस्ती मुसलमान बनाया। कृष्ण की जन्मस्थली का मंदिर तोड़वा करके उसे मस्जिद बनवाया। वृंदा देवी वृंदावन में गोविंद देवी का मंदिर तोड़वा करके वहाँ पर भी मस्जिद बनवाया। उसी ने हरदेव का मंदिर ऊपर का चूल्हा तोड़वा दिया। इसी तरह से वृंदावन को नष्ट भ्रष्ट करने पर तुला हुआ था। इसका कारण ये था, जयपुर के नरेश अकबर को अपनी बहन की शादी दी थी, इससे समस्त राजपूत उनके विरोधी हो गए। सब राजपूत राजविरोधी हो गए। महाराणा प्रताप इत्यादि अपने पंक्ति से उसको हटा दिया, एक लाइन में नहीं खिलाया, इसलिए और वो क्रोधित हो गया और अकबर का साथ देकर के अपनी बहन क्या क्या बाई नाम था उसका शादी उससे करा दिया। एक तरह से मुसलमान बन गया। फिर उसका पुत्र जहांगीर, उसका पुत्र शाहजहां हुआ। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब राजगद्दी पर बैठ गया। इसके बाद में शिवाजी को कैद कर लिया और दिल्ली के दिलखाने में भर दिया। तो शिवाजी और यहाँ का नरेश जय सिंह या मान सिंह वो उनके मित्र थे। न कि हिंदुओं के ऊपर में कितना अत्याचारी औरंगजेब करता है और हमको जेल में बंद कर दिया, आप कुछ नहीं कर रहे, इसलिए आप मेरी सहायता कीजिए। यदि जेलखाने से कितने तरह से निकल जाऊँ तो हम इसे दिखला देंगे, इसका राज्य भ्रष्ट करके और यहाँ से हम लोग भगा देंगे, इसलिए मेरी सहायता कीजिए। नहीं, क्या सहायता करूँ, मैं जेलखाने में बंद हूँ और द्वादशी को मैं सब लोगों को अपने जन्म दिवस में आ रहा है द्वादशी को, इसलिए अपने द्वादशी के दिन में मैं अपना जन्म दिवस मनाऊँगा। मेरे लिए बड़ी सी टोकरी में बताशा भरवा करके भेज दीजिए, जैसे मैं सबको बांटूंगा।
बसा से ऐसा इजाजत ले ली। उन्होंने उनका मित्र था जयपुर का नरेश, बस उससे आदेश ले लिया और आदेश लेने के बाद में मिठाई भर करके भेज दिया। शिवाजी उसी टोकरी में बताशा हटा करके उसी में बैठ गए और ऊपर से ढकवा दिया कपड़े से और जेलखाने से निकल करके चले आए। निकल करके भाग करके जब एक दिन रात हो गया जंगलों के रास्ते से और एकदम किधर से किधर निकल गए, वेश बदल लिया और उसके हाथ से निकल गए, हाथ से चिड़िया निकल करके जैसे उड़ जाती है ऐसे उड़ गए। और औरंगजेब ने कहा शिवाजी सुरक्षित जेल में है तो उसके CID ने कहा कि वो तो कभी कल ही निकल करके भाग गया। काजे ने कहा कैसे भागा, उसी मिठाई के टोकरी में। ओ तो ये जयपुर नरेश का इसमें कुछ चक्रांत है, षड्यंत्र है, उसे पकड़ लो। वो पहले ही उसके पहले निकल गए और वृंदावन में जितने मंदिर में उनकी मूर्तियाँ थीं, राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा गोविंद जी, राधा माधव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा मन जितने ये मूर्तियाँ थीं, वृंदा देवी ये जो देख रही हैं ये वहीं पर थी, सबको लेकर के अलग अलग रथों में बैठा करके और वृंदावन से निकाल देंगे, ये हमसे अब शत्रु बन जाएगा और ये तोड़वाएगा मंदिरों को और मूर्तियों को, मर ले करके चलो बस। दिल्ली नरेश उधर भूकंप दिया, ये जयपुर का नरेश भी भाग गया और वो भी शिवाजी भी भाग गया। अब इनको जहाँ भी है पकड़ो और इनको जेल खाने में लाओ, इनको हम सूली चढ़ाएंगे। और इनके जितने बने हुए मंदिर हैं ब्रज के अंदर में, जयपुर का नरेश का बहुत बड़ा भारी योगदान है। गोविंद जी का मंदिर बना है, गोपीनाथ जी का मंदिर, गोविंद जी का तो दूसरा है, तो इस तरह से सब मंदिरों को तोड़ना है। बस जब सेना लेकर के आया तो उसके पहले ही सब मंदिरों से मूर्तियों लेकर के वहाँ से पहले आए राधा कुंड में। राधा कुंड में शाम को चले, रात हो गई, राधा कुंड में ठहरे, इसलिए गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन इत्यादि का सब मंदिर वहाँ। फिर वहाँ से दूसरा पड़ाव आया, ये काम में बन में रहे। अब ये राजस्थान की सीमा में आ गया, उनका डर भय धीरे धीरे कम होता गया, सोचा जी अभी भी दिल्ली से ये निकट है इसलिए और आगे ले चले। फिर यहाँ रात में रहे, यहाँ गोविंद जी को रखा, यह गोविंद जी का मंदिर, ये वृंदा जी का, मदन मोहन का मंदिर उधर में है और गोपीनाथ जी का भी मंदिर उधर ही है। और सब ठाकुर जी को लेकर के रख करके अलग अलग पूजा करके फिर दूसरे दिन वहाँ से चले। फिर वहाँ से चलते 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 फिर धीरे धीरे में जयपुर में पहुँचे, अपने राजभवन में गोविंद जी को रखा, उसके पास ही में गोविंद मदन मोहन जी को और गोपीनाथ जी को भी रखा। गोपीनाथ जी भी अभी जयपुर में, गोविंद जी हैं, मदन मोहन उनकी लड़की लेकर के चली गई करौली में, उन्हीं की वो लड़की थी, अब वो अब उपहार के रूप में ले लिया। वृंदा देवी किंतु यहीं रही और गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सब चले गए। अब ये प्रतिभु विग्रह बना के रह गए। इसके बाद में फिर जयपुर में वो सब लोग चले गए। इसके बाद में वहाँ पर जा करके औरंगजेब से बहुत बड़ी भारी लड़ाई हुई किंतु अब कुछ कर नहीं सका। इसके बाद उसके राज्य में विद्रोह हो गया, फिर गड़बड़ होकर के साथ जब मूर्तियों को जो तोड़ना आरम्भ किया था, मंदिरों का गिराना, इसलिए उसका राज्य भी एकदम सब टूट करके साफ नष्ट भ्रष्ट हो गया पीछे से और अंग्रेज ने। तो ये वृंदा जी का मंदिर है, पहले राजकीय रूप में इसकी बड़ी भारी सेवा होती है, देखिए ना कैसा विशाल मंदिर है। उस समय ये बहुत विशाल मंदिर था, आंगन भी बहुत प्रशस्त था। उस समय में काम्यवन बहुत ही सुंदर और मनोरम शहर था, यही वृंदावन माना जाता था। वल्लभाचार्य ने यहीं पर अपनी गद्दी बिछाई पहली और यहीं पर चंद्रमा, क्या नाम, गोकुल चंद्रमा जी, गोकुल चंद्रमा जी, चंद्रमा माने गोकुल का श्रेष्ठ है। और गोकुल के ये चंद्रमा कौन है, उनका वहाँ पर मंदिर बने और भी यहाँ पर बहुत से मंदिर हुए। यह पहले यहाँ पर राजधानी थी, बड़े बड़े राजाओं की राजधानी थी और बहुत ही सुंदर शहर था। अब खंडहर ही खंडहर आपको मिलेंगे, व्यवसाय का भी बड़ा भारी केंद्र था, वो भी धीरे धीरे दूर हो गया। यहाँ पर हजारों लोग लाखों लोग यहाँ आते थे और बड़े सुंदर रूप से इसकी सेवा इत्यादि हो। हम लोग भी अभी 30-35 वर्ष आगे आए थे तो अभी एक कुछ रौनक तौनक थी,
और बड़ा सुंदर से चलता था, धीरे 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 कुछ गड़बड़ हो रहा है। वैसे ऐसे ही काल के कराल में बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े क्या क्या कहान, मथुरा बिगड़ गया था, फिर जैसे फिर अभी बन रहा है। वृंदावन भी एकदम जंगल हो गया था, फिर पीछे से चैतन्य महाप्रभु आने के बाद में तब फिर ये चैतन्य महाप्रभु के पहले इसी को वृंदावन आदि वृंदावन कहते थे। तब एक नई बात होती है, चैतन्य महाप्रभु जो आए उन्होंने कहा ये जमुना जी के किनारे होना चाहिए वृंदावन, यहाँ तो वृंदावन में जमुना जी नहीं, और भी राक्षसस्थली कहाँ है, बंसीवट भी तो वहाँ पर होना चाहिए, पास ही में कृष्ण का आवास भी होना चाहिए, छठी करा पासी में मथुरा होना चाहिए। सब विचार करके देखा, ये भी ब्रज है, ये ब्रज से बाहर नहीं है, ब्रज ही है, किंतु वृंदावन 16 कर्ष की परिधि में, वृंदावन से लेकर के बरसाना नंदगांव गोवर्धन सब उसके अंदर में, वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा होती है, उसके बाद में एक होती है 16 कोष वाली परिक्रमा और एक 84 कोष की इसके अंदर में, ये सब स्थान बड़े उन्नत। यहीं पर पांडव लोग आए, बहुत दिनों तक गुप्तवास किया, यहीं पर कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हुई, यहीं पर यशोदा जी का घर था, पिताजी का घर, कृष्ण यहाँ पर खेले कूदे, उच्चारण किया, लुकलुकी कुंड दिखलाया, और कितने 84 कुंड न कितने कुंड हैं, कितने मंदिर थे, अब वो सब इधर कहाँ चले गए सब। फिर समय आएगा, फिर कृष्ण की लीला होगी, फिर उस समय में फिर नए हो जाएंगे, तब एक बात करेंगे। कभी भी इन आँखों पर विश्वास नहीं करेंगे, और इन आँखों का देखा हुआ सप्तम, ये तो जड़ चीजें देख सकती हैं, कृष्ण लीला कृष्ण धाम ये सर्वत्र सब समय एक ही समान रहता है, उसमें तनिक भी कोई अदल बदल नहीं होती, एटा नित्य भूमि जहाँ जब श्रद्धा होवे वही श्रद्धा अनुसार ते तहार नित्य प्रकाश तहार निकटे ते प्रकट कर दिए। एक दिन इसीलिए हम लोग यहाँ की धूली को सिर पर लेंगे, ये वृंदा देवी पहले वृंदावन में थी, चलिए यहाँ वृंदा देवी का वहाँ पर कोई भी दूसरा विग्रह नहीं था, तो हम लोगों के गुरु जी ने ऐसा स्फूर्ति की वृंदा देवी एक होनी चाहिए वृंदावन, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर वृंदा जी की स्थापना की। वृंदावन के लोग बड़े प्रसन्न हुए, ये अलौकिक के काम हुआ, ये यहाँ पर वृंदा जी पधारे और कुंज बिहारी वहाँ पर, इस तरह से उसका नाम भी रख दिया गया श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ, जो वृंदावन के 84 कोष ब्रजमंडल में उन्होंने सब प्रकाशित किया। अब हम यहाँ से कामेश्वर महादेव को जाएंगे, और कामेश्वर महादेव में यहाँ से पांडव लोग का गुप्त यहाँ पर ठहरे थे, दुर्वासा जी जहाँ पर द्रौपदी ने वो खड़िया उलाट उसमें से एक तिनका कृष्ण को दिया था, वो स्थान यहाँ पर जक्ष और ज्योतिषी से संवाद हुआ था, इन सब स्थानों को संक्षेप में हम आप लोगों को देख रहे हैं। पास ही में यहाँ से दूर नहीं, यहाँ से करीब करीब 8 मील पर जंगल के रास्ते में, वन के रास्ते में 84 खंभा, तो पास ही में वो रामेश्वर है, सेत बांध रामेश्वर है, लंका वहीं पर है। गोपियों ने कहा तुम बड़े झूठे मक्कार हो, तुम लबार हो, तुम्हें झूठा, तुम सब समय मिथ्या कथा बोलो, तुम्हें बोलते जैसे हमी आराम, ताले यही नदी ऊपर एक पुल बेंदे जाओ ना सरोवर और बंदरों को लेकर के इसमें लगाओ, तुम समझेंगे। कृष्ण ने बंसी बजाई और लाखों बंदर वहां पर उपस्थित हो गए, और कहीं कहां से पहाड़ सब ले आए बड़े बड़े टुकड़े, और झट एकदम पुल बांध दिया, और कृष्ण गोपियों को लेकर के इस पार से उस लंकापुरी में चले गए, सेत बांध रामेश्वर की वहां पर स्थापना की। अभी वो सब दृश्य है, अभी देखने से मालूम होता है कि ये मिनी लंका है, ये मिनी रामेश्वर है, मिनी माने क्या है, ऐसा अभी भी मालूम पड़ता है। कृष्ण की ये सब लीलाओं की दुनिया है, यहाँ आने से अंततः उनकी चरण धूली तो हमारे ऊपर में उड़ करके लगेगी, यदि हम लोग ही लगाएं ऐसा तो भी उड़ेगी और हम लोग के सिर पर सर्वत्र लग जाएगी,
हम धूलि कणा से वंदना करें जी आप कृपा करके हमको राधा कृष्ण का दर्शन और लीलाओं का दर्शन करने जो कि अधिकारी अब चलिए हम लोग काम महाराज जी महाराज जी सेवा करा दे मैं सबको भी जो सेवा करूँ जैसे वो करें तो ये जो मैं काम को सूक्ष्म बच्चा तो सुनाऊँ काम में क्या चीज है सात सौ कर की लाइ ये ध्यान रखने की बात है ये जितना भी बैठी थी है छह करोड़ सात लाख छह सौ सिंहासन होते यहाँ पे हमारे काम में मात्र थी सभा के अनुसार छह करोड़ सात लाख छह सौ सिंहासन भगवान के जब छह साल गए ध्यान ना भरे जाते हैं वही पर सिंहासन मांगे जाए लीला आ गया शुभानंद महत्व बोल दे राशा पूर्ण बोलो मैं आशा ऋषि को प्रसन्न किया दुर्योधन ने अपने घर में खूब खिलाया पिलाया प्रसन्न होकर वर मांगो तो उन्होंने कहा जिससे जैसे आपने हमारे ऊपर में कृपा की ऐसे ही पांडवों पर कृपा करें और उनके यहाँ आप अभी अतिथि होकर के जाइए और आप कृपा करके दोपहर में जाइए दिन ढलते समय में जिस समय द्रौपदी भी खा ले सब लोग खा लिए हैं उनको कष्ट न हो तब जाइए सीधे साधे मानी श्री जी उसे समझ नहीं सके सोचे जी उनके घर में तो बहुत कुछ होगा बना करके उसे फिर हमको खिला देंगे ये तो नहीं जानते थे ये जिसमें गड़बड़ी दुर्योधन चल रहा है उनके पास में एक सूर्य की दी हुई थाली थी बछलोही थी युधिष्ठिर को दिया था और कह दिया था ये द्रौपदी उसमें जो रसोई बनाएगी अक्षय होगी और सब लोगों को खिलाने के बाद में अंत में वो खाती है और खाने के बाद में उसको मांस धूल करके सब साफ कर देगी तब हानि या कुछ नहीं देगी और नहीं तो जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक जो जितने लाखों लोगों को दे देगी प्रतिदिन सबको खिलाती थी सोच लिया होगा जैसे अब जरूर वो खा लिया होगा कहिए अब आप जाइए और उनका आतिथ्य ग्रहण ऋषि साठ हजार ऋषियों को लेकर के विमल कुंड के किनारे आए ऋषि और सब लोगों ने बड़ा उनका अवभगत किया अभिवादन किया उन्होंने कहा आज मुझे बड़ी भूख लगी है भाई मैं अभी सरोवर में स्नान करता हूँ तेरा और आप लोग सब ठीक करके रखिए अभी आकर के प्रसाद उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात ऋषि लोग चले गए और स्नान करने लगे और इधर में इन पांडवों को बड़ी भारी चिंता हुई द्रौपदी के पास में गए उन्होंने पूछा बटलोही को धोया तो नहीं अभी अतः धो दिया इधर तो दुर्वासा ऋषि आए हैं कुछ भोजन करने से तो वो अभी संपात दे देंगे हम सब लोग अभी उनके अभिशाप से जल मत कर के खत्म हो जाए द्रौपदी जी ने बड़ी चिंता की हे प्रभो आप हमारी रक्षा की हे गोविंद राण सब समय आपके अतिरिक्त हमारा और कोई दूसरा नहीं जिससे मैं कुछ कहूँ अब जल्दी से हमारी आन रखो नहीं तो अभी हम सबको जला कर देंगे इतने में देखा जे पासी से वन में से कृष्ण मुस्कुराते हुए वहाँ पर उपस्थित थे सब लोगों ने प्रणाम किया कुशल है कि 60,000 ऋषि अभी आए हैं भोजन करने के लिए अभी यदि नहीं दिया जाएगा तो यह हमें जला डालेंगे द्रौपदी जी को आश्वास हो गया विश्वास अब तो जान बची कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी तूने खा लिया तो खा लिया बटलोई कहाँ है तो वो तो माँज करके मैंने उल्टा करके रख दिया अरे जरा लाओ तो सही अतः वो ला करके क्या होगा उसमें तो है नहीं अच्छा लिया हो तो देखो यदि उसमें कुछ है ले आकर के कृष्ण ने बारीक नज़र से देखा वो तो धुल ही गया था कृष्ण ने कहीं से लगा दिया या कहीं से बच गया
से थोड़ा सा पतला सा उसमें लग गया अंत भीतर। बड़ा कृष्ण ने उसे बारीक रूप से देख करके उसे अपने हाथों से उसे निकाला और निकाल करके मुख में ऐसे दे दिया और पानी मंगा और पानी खूब पी करके पेट भर गया। फिर तो उसने डकार दिया खुद से और फिर तो उसने कहा उधर स्नान कर रहे थे उनके पेट खुल गए और डकारने लगे। कितने में भीम गया गदा लेकर के भीम को देखते ही कहा भागो नहीं तो आज प्राण रक्षा है। एक अम्बरीश से ही तो हम डरे हुए हैं न जाने क्या हो जाती शुक्र सुदर्शन। यहाँ पर तो एकदम उनके और प्रिय भक्त लोग हैं कई सुदर्शन चक्र घेर करके काट दिया तो खत्म हो गए। बस जल्दी से वहीं से भागे भूर भुआ स्व महाजन तप सत्य पार करते हुए भक्त की चले की रक्षा। यहीं पर जबकि पांडव लोग थे अरे था यहीं पर जब थे कर्ण दुशासन और शकुनी दुर्योधन सब मिलकर के मंत्रणा की आज ही वहाँ पर आक्रमण करके उनको बंदी बना दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए सारा जीवन के लिए झंझट और टंटार मिट जाए। बस वहाँ से लेकर के रात बड़ी भारी सेना चले। सब पितामह ने द्रोणाचार्य ने मना किया तो भी नहीं माने उनको छोड़ करके आप ये सब बाकी सेनाओं को लेकर के आए। जब एकदम निकट में पहुंच गए तो रसोई बनने लगे। This is Bhima all comes. ये नंदगांव की एक सीमा है। जबकि अक्रूर को भेजा कंस ने जब यहाँ आए तो चरण चिन्ह देखे चारों तरफ उनके चरण चिन्ह विशेष करके यहाँ पर ये देखा तो एकदम हृदय में आनंद छा गया आँख से आंसू आने लगे और एकदम लौट गए अपने छाती के नीचे चरण चिन्ह को रख दिया और बड़ी से यहीं से स्तव स्तुति उनकी करने लगे। आज हमारा परम सौभाग्य है कि मैं इस स्थान में आया। जिन चरण कमलों को होने से ये गंगा निकली है इतनी पवित्र जिस चरणों के प्रताप से ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि और शंकर जी लड़ाई इत्यादि कार्य करते हैं ऐसे पर ब्रह्म हैं और मेरे भतीजे बने हुए हैं। अच्छा चले तो वहाँ हमको वो पहचाने थे वो नहीं हमको चाचा कर भी एक बार भी पुकारा तो हम समझे कि हमारे जीवन करने बहुत तरह की स्तव स्तुति करने लगे। ये उनके शरणागत भक्त में से एक फिर गए नंद के यहाँ। शाम हो गई थी वहाँ पर पहुँच करके घर में गए नंद बाबा से भेंट हुई
कृष्ण बलराम जी इनके आए, इनको प्रणाम किया और चाचा जी कहने लगे। दोनों बच्चों को उन्होंने अपने अखबार में भर दिया और तरह तरह के स्काउट शूटिंग भी किया। फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग वसुदेव जी के लड़के हो, आप तो ये तो भगवान है किसी के लड़के नहीं, तभी वसुदेव जी के लड़के हो, देवकी के पुत्र हो। बचपन में ही तुम्हारे पिताजी वहाँ रख गए थे गोकुल में, अब लोग तुम बड़े हो गए, तुम्हारे लिए ही देवकी और वसुदेव कभी जंजीर में बंद करके जेलखाने में रखा है। रोज़ गाली गलौज करता है, पैर से ठोकर मारता है और अपमान करता है। ये तुम लोगों के लिए बड़ी भारी लज्जा की बात है कि तुम्हारे पिता होने से और तुम्हारे लिए ही उनको इतना कष्ट देते हैं और तुम लोग अब बड़े हो गए, अब तो जरूर उनकी रक्षा करनी चाहिए। रात भर इनको पाठ पढ़ाते रहे, विशेष करके बलदेव जी को। बलदेव जी को बड़ा क्रोध आ गया, अच्छा तो दुष्ट असुर को हम लोग मारेंगे। मालूम होता है कि उसका काल आ गया। जब काल आता है तो एक सर्प को लेकर के गले में आदमी लपेट लेता है और उसको काट डालता है। ऐसे ही इसको इसका काल आ गया है, हम जरूर चलेंगे। फिर नंद बाबा के पास में आए, बोले वसुदेव जी आपके भाई हैं और उनके लड़के हैं, आप इनको जाने दीजिए, कल रंगशाला में बुलाया है और कृष्ण बलदेव जरूर उसका वध कर डालें, आप उसको जाने दीजिए। ब्रज के लोगों ने जब दूसरे दिन सवेरा हुआ, ब्रजवासियों ने सुना तो बड़े रोने धोने लग गए, यशोदा नंद को गाली देने लग गए, ये अक्रूर आया, अक्रूर नहीं है ये क्या है, क्रूर है जो कृष्ण और बलदेव को यहाँ से ले जाने के लिए आया है और झूठ बोलता है कि ये देखिए वसुदेव के लड़के हैं कृष्ण। इसके बाद में सब लोग आकर के यशोदा जी से उल्हाना दिया। यशोदा जी ने खाट के अंदर में कृष्ण को छिपा लिया, किसी तरह से आने नहीं देंगे। नंद बाबा ने कहा जे मेरी शपथ है मैं इनको ले जाऊंगा और ले साथ ही ले आऊंगा, यदि नहीं आया तो मैं भी घर नहीं लौटूंगा, मैं जरूर उनको लेकर के आऊंगा। तरह तरह की शपथ खाई और नहीं तो कौन सी इस पुरी को उजाड़ देगा नंदगांव को, इसलिए तुम किसी प्रकार से जाने दो और कल नहीं तो परसों जरूर हम लेकर के चले आए। कृष्ण जब रथ पर जाने के लिए तैयार हो गए तो अब जितने ब्रजवासी लोग थे सभी लोग हाहाकार करने लगे और गोपियां तो रथ के सामने गिर पड़ी, सत्याग्रह कर दिया किसी प्रकार से नहीं जाने देंगे। उस समय में कृष्ण रथ से उतर करके गोपियों से मिले, उनको सांत्वना दी, कल नहीं तो परसों जरूर मैं आऊँगा, इसलिए पलसो नाम हो गया उस गांव का जहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं परसों जरूर आऊँगा, सी परसों उसका नाम है। इसके बाद में उनको सांत्वना देकर, किंतु उनको सांत्वना नहीं हुआ, मूर्छित स्थिति में उनको छोड़ करके और अक्रूर ने रथ हाँक दिया और मथुरा की तरफ में चले। तब से गोपियाँ घर में नहीं गईं, रसोई नहीं बनी, तरह तरह की विरह की बातें हुई। फिर हम लोग परसों आएंगे तो फिर वहाँ पर उद्धव क्यारी में इस सब की बातें हम लोग बतलाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से पांव सरोवर जाएंगे जहाँ पर कि नंद बाबा यशोदा जी ब्रजवासी लोग स्नान करते थे, कृष्ण भी सखाओं के साथ में स्नान करते थे, गायों को पानी पिलाते थे, बछड़ों को पानी पिलाते थे। ये सब स्थान दर्शन करके हम लोग आज सीधे चले जाएंगे कोकिल वन, जहाँ पर कृष्ण कोकिल बन करके कुहू कुहू करते थे और गोपियाँ सब वहाँ से मिलती थी। वहाँ से हम जाएंगे कहाँ तुम्हारी ससुराल री, वहाँ पर हम जाएंगे वहाँ से बहुत दूर और पैदल का रास्ता वहाँ से, फिर जाना एक मील दो मील और आना तब तक शाम हो जाएगी। इसके बाद में जाएंगे वहाँ पर जावट में, जाबट जिस बट के नीचे उनका राधा जी का राजभवन था, राजमहल था, वहाँ पर जाएंगे उनकी ससुर बाड़ी और वहाँ से फिर आज मथुरा में चले जाएंगे। परसों हम लोग आएंगे तो सीधा एक बार नंद बाबा के ऊपर में जाएंगे, कमलामलापति का फिर दर्शन नहीं होगा और वो लोग चावट और कोकिलबन का दर्शन उन लोगों का नहीं, इसलिए आज हम लोग उसको कर लेंगे और हम लोगों के लिए सीधा रास्ता होगा, फिर उस दिन नहीं होगा, इसलिए ये सब दर्शन करके और फिर हम लोग मथुरा। बोलो गौर प्रमाण। कृष्ण लोटस प्लीज।
His province, the river. তাই দেখছি না দাদাকে এখানে জ্ঞানঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং চেন তস্মৈ শ্রীগুরবে গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমঃ। বৈরাগ্যযোগভক্তিরসংপ্রয়ত্নৈ অপায়ন্মাননুভীপ্সুমন্দম কৃপাম্বুদিরিজা পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তম প্রভুমাত্মনা। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টম স্থাপিতম যেন ভূতলে স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যম দদাতি। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सचमुच में ये पावन ही सरोवर है, पावन मैंने पवित्र करने वाला एटे पावन सरोवर। कृष्ण समय तो पावन सरोवर आज ही और संबंधे हमें ओखने बोलना एक सनातन गोस्वामी भजन कुटी रूप गोस्वामी टे कदम्बे ते थकते हैं और इन ए स्थले ते थकते। প্রথমে রূপ সনাতনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কানাই নাটশালাতে, তখন হুসেন সাঁত বাদ সাহেব এরা প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্রেটারি, রূপ গোস্বামী প্রাইভেট সেক্রেটারি আর সনাতন গোস্বামী প্রধানমন্ত্রী, রাজা নাম কা রাজা কিন্তু কাম করনে বালে এই দোনো ভাই থে। আর তিসরে ভাই থে অনুপমজি, वो खजाना इनके हाथ में था। बादशाह चारों तरफ में युद्ध में जय करते इधर उधर घुमा करता था, किंतु जब से चैतन्य महाप्रभु जी की उन पर कृपा हुई भेंट हुई राजकाज में अब मन नहीं लगता था, जाते तो थे किंतु मन नहीं लगता था। रूप गोस्वामी का मन एकदम विरक्त हो गया, उन्होंने सारा रुपया वहां का लेकर जो उनको पाना था मालिकी राज्य के सब रुपये में लेकर के आधा ब्राह्मणों में बांट दिया, आधा का आधा भाग लेकर के परिवारजनों में उनके पालन पोषण करने के लिए दे दिया और चौथाई भाग रख दिया सनातन गोस्वामी को बंदीशाला से छुटाने के लिए। ये लोग सब सब कुछ जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले होते हैं, सोचा जे इनको जरूरत होगी। वैष्णव लोग भी कभी कभी घूस देते हैं, कोई कोई नीतिवादी लोग घूस नहीं देते, किंतु वैष्णव लोग सब कुछ कर सकते हैं कृष्ण के लिए। न धर्मं ना धर्मं सुदगुण निरक्तं कुल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या। রূপম তস্যা গজবুরি পুরিম মাথুরিম গোস্তবাটিম রাধাকুণ্ডম গিরিমহো রাধিকা মাধবাসম প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া তং গুরুং ততোস্মি। গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো। তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা ইতি বিজ্ঞায় রাধে অন্য মাম শরণান্তি। যত কিঙ্করেষু বংশ খলু কাকুবানি নিত্যম পরস্য পুরুষস্য শিখণ্ডমৌলে যস্য কদারসনিধে বিশ্বভানুজায় ততকে নিকুঞ্জ ভবনং গণমার্জনে।
আমরা যে স্থানেতে এসেছি সেই স্থান অত্যন্ত গোপনীয়। এমনকি কৃষ্ণেরও সাধনায় আরাধনার এটা জায়গা। মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত ছাড়া এই স্থানের মহিমা অন্য কোন সম্প্রদায়ের নিকটে ওইগুলি পরিচিত নয়। বল্লভাচার্য সম্প্রদায়, নিম্বার্ক সম্প্রদায়, রামানুজ কথাই বাকি অন্য কোন সম্প্রদায়ের এ স্থানের মহিমা বিশেষ নাই, অত্যন্ত দুর্লভ মহিমা। এ স্থানের নাম হচ্ছে যাবট। যা বট, যে বটের নিকটেতে, যে বটের সুন্দর সুশীতল ছায়া নিকটে শ্রীমতী রাধিকার রাজভবন ছিল। এইটাই শ্রীমতী রাধিকার স্থান, এইটা মোটামুটি ঘুরতে। এই জন্য ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলছেন যে বিশ্বভানুপুরেতে আমার কখন জন্ম হবে আর বিবাহ হবে যাবতে। আরো আমাদের সব সর্বত্রই এইটি প্রসিদ্ধি, এইখানেতে কৃষ্ণেরই ছায়া অভিমন্যু এখানে থাকে। তারই মায়ের নাম জটিলা আর তারই ভগ্নের নাম কুটিলা। এইখানে শ্রীমতী রাধিকা বিবাহ হয়েছিল, গোপীরাও সব এইখানে থাকতেন। ললিতা, বিশাল, কাচিত্রা, চম্পকলতা ইত্যাদি সব এই ভবনেতে বিভিন্ন প্রকারে শ্রীমতী রাধিকা তারা সবগুলি সেবা করে। সেদিন বলেছিলেন যে সে ওই পাশেই তো কপিল বন নিকটে, ওইখান থেকে কুহু কুহু শব্দ করত। এমনকি তাহার সমস্ত বিচিত্র লীলা এইখানে হয়েছে। যদি এই যাবত স্থান না থাকতো তাহলে পার্কীয় ভাবটাই থাকতো। পার্কীয় ভাবের এই যাবতটাই হচ্ছে স্থান। এইখানেতে থাকাকালে যশোদা মা মনে মনে চিন্তা করছে, যশোদাজি চিন্তা কর রহি কি আমারা বাচ্চা কানাই দুবলা পাতলা হয়ে যাচ্ছে, আমারা বাচ্চা লালা দুবলা পাতলা হো রা, খাতা কুছ নেই হ্যাঁ, যো কুছ উসকে লিয়ে হাম বানাতি হ্যাঁ ও কুছ ভি নেই খাতা, না জানে উসকো ক্যা হো গয়া হ্যায়। পূর্ণমাসি জি সে পুছা যে হমকো ক্যা করনা চাহিয়ে, হামারা বাচ্চা দুবলা পাতলা রাতা হ্যায়, খাতা পিতা নেই হ্যায়। উনহোনে কাহা ব্রজ মে রাধা কি নাম কি এক রানী হ্যায়, অভিমন্যু কি পত্নী হ্যায়, বিশ্বভানু মহারাজ কি লাড়লি হ্যায়, বিশ্বভানু মহারাজ সে উনকা অধিক সম্বন্ধ। ও যদি রসোই বানানে কে যহাঁ আ যায় আর ও রসোই বানায়ে তো কৃষ্ণ কো বহুত রুচিকর হো যায়েগা আর ও অজরমর বন যায়েগা, কবি উসকো রোগ নেই হোগা আর বড়ে বড়ে দৈত্য দানো কো ভি ও মার সকতা হ্যায়, সব প্রকার সে উচিত হয়ে উসকো আপ বুলবা লিজিয়ে। উনহোনে কাহা যে আপকি সহায়তা কে বিনা আমি নেই বুলা সকতি, আপনার সহযোগ ছাড়া আমি তাকে ডাকতে পারি, আমার কথাই শুনবে না। আচ্ছা তো তুমি প্রয়াস করো, আমিও প্রয়াস করো। যশোদা দেবী তার সঙ্গে এই পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন আর তার শাশুড়িকে জটলাকে নিজের সখী পাতলেন, উনকো সখী বানায়া, বহুত লোভ দিয়া প্রস্তাব দিয়া ডরতে ডরতে যে তুম আপনি বহু কো কুছ দিন কে লিয়ে হামারে ঘর মে নন্দগাঁও মে রসোই বানানে কে লিয়ে ভেজ দিয়া, ও তুমারি জ্যাসি বহু হ্যায় ও হামারি ভি বহু হ্যায়, তুমারি জ্যাসে বেটি হ্যায় মেরি ভি বেটি রহেগি। আর আপনে ঘর সে উপহার লেকর কে কপড়ে লত্তে আভূষণ সব লেকর কে উনকে ইহাঁ দে
किंतु कति हम नहीं भेजेंगे। तुम यहाँ की रानी हो भले ही, तुम अपने बहू को तुम्हारे घर में किस लिए भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। पौर्णमासी जी आकर के एक दिन बोली, अरे यशोदा जी ने कहा, तुमने उसको मना कर दिया, तुम्हारा लड़का मर जाएगा यदि उसकी बात नहीं मानेगी। हम जानती हैं भविष्य दृष्टा है, तुम्हारी गईया सब मर जाएंगी, तुम्हारे गोरू जी जो तो बुरी मारा जाए, वो तो नष्ट हुए जाएगी, इसे जल्दी से उसके कहने से भेज दो, कोई चिंता की बात मत करना, मैं हूँ। फिर राजी कर लिया किसी प्रकार से। तो प्रतिदिन यहाँ से यहीं से जाती थी नंद गांव में और रसोई बनाती, प्रतिदिन एकांत के जिए रहना करते। रोहिणी माता खूब रानना से पटु छिलन, बहुत ही चतुर थी रसोई बनाने, किंतु राधा जी के सामने वो भी फीकी पड़ जाती थी, वो केवल सामान एकत्रित करके और राधा जी के हाथ पहुंचा देती और समस्त सखियां सब मिल करके और एक साथ में 10-20 चूल्हों पर बड़े सुंदर रूप से रसोई बनाती और कृष्ण खाते। बीच में जब यहाँ से चलती थी सखियों के साथ में, सुंदरलता उनको बुलाने के लिए आती थी, गोविंद लीलामी इत्यादि में इस सबका भी सब वर्णन है। जबकि जाती थी तब कदम बटे बीच में पड़ता है, पीछे माछ खाने थे कदम बटे, वो कदम बटे रहे थे कृष्ण गोदोहन करवार जन्न, वो खाने थे खाते पूरा वही रास्ता दिया आज से आज कृष्ण जेने सुने गोरगुली के लिए रास्ता ऊपर थे रेखे दीते और दो पासे गोरु है ये तो माछ खाने रास्ता। श्रीमती बोलते हैं आमी एखाने ए चलो हमारा बोल दीजिए जाए। ललिता बोलते हैं तुम्हें भय कर करो ना कि एक हंकार दिले कोठा से चले जाए। तापर तिनी नहीं आज से कृष्ण दूते दूते गोरु एमन धार मेरे छे अनेक दूरे जात छे और तार समस्त मुखमंडल एक बार दूधे तक जात को है, समस्त दूध से एकदम भर गया। ऐसी ऐसी लीलाएं करता राधा जी भी उनका दर्शन करने के लिए, कभी उनके गले में माला मणियों की मणि माला हठक कर से सब बुली पड़ जेतो और सब चारों दिखे छिटे जेतो और ओखने बसे जेने सुने सब बुली पड़े तार दर्शन कर। তারপরে ওখানে যেতেন রান্না ইত্যাদি করতেন প্রতিদিন। এক সময় কোন কারণবশত শ্রীমতী রাধিকা কিছু অপ্রসন্ন হয়ে গেছেন, মান তার হয়েছে আর যাওয়ার থেকে ওখানে যান না, যাওয়ার সে বো গই নাই। কৃষ্ণ সোচা যে কেসে মানে আজে সুবল সে কহা ধনিষ্ঠা সে কহা ललिता भी कहा जिसे कहा कुल किसी की बात आज नहीं सुन रही, खाना पीना छोड़ दिया और यहीं पर माननी होकर के बैठ गए। कृष्ण सोचा कि दूसरी जगह होता तो मना लेते, उसके घर में वो जटिला जटिला पाक बनाती है और कुटिला कुटिल प्रकार की वो है, वो हवा के गंध से भी जान लेती है कि कृष्ण किधर से आया किसे और सब समय उसको गाली गलौज करती है, सब समय बड़ी कड़ी नजर रखती है, খুব কঠোর নজর রাখে, একটু এদিকে দিকে হলে কত রকমের কথা বলবে সব। কৃষ্ণ সোচ বিচার করতে বটুক কা বেশ মানায়, বটু মানে কি ছেলে ছাত্র ব্রাহ্মণ বালক পড়তে যাচ্ছে ওই রকম টিকি বেঁধে নিয়েছেন, গলাতে মালা খাড়াম পরে নিয়েছেন, বগলে বই দাবিয়ে নিয়েছেন, छत्री ले ली ताल के पत्तों का, एकदम ऐसा वेश बनाया जो कोई ना समझ सके कि किस नहीं है, एकदम बदल गया। एक बार फल टेकल और अरे अभिनय थे हमारा पूछते पारी ना जैसे के व्यक्ति एक नाटक में हम लोग नहीं समझ पाते कि कौन वही व्यक्ति है वो सज गया है आज कृष्ण स्वयं भगवान इच्छा कर ले जोगमाया তাকে এমন সাজিয়ে দিয়েছেন সত্যি সত্যি একটা ছাত্র বালক মতন হয়ে গেল। সেখান থেকে অলক নিরঞ্জন অলক নিরঞ্জন অলক নিরঞ্জন মানে কে ইয়াকে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী কহেঙ্গে অলক নিরঞ্জন
अर्थात ब्रह्म निराकार है वही मैं ब्रह्मकार हूँ। आनिश ब्रह्म अलग ताकि देखते पड़ा है निरंजन कोई उपाधि नहीं है तो वो है तो स्वयं अलग निरंजन जगत की दृष्टि से नहीं दिखे जाते और निरंजन कोई उपाधि नहीं है उनके अंदर में। बात तो ठीक है निर्गुण है किंतु अद्वैतवादियों का ये शब्द है। बस ऐसे ही करते करते यहाँ पर पहुंच गए जटला के घर में अलग निरंजन कह करके भिक्षा मांगने लगे। हम लोग अभी ब्रज में जय राधे श्री राधे करते हैं और लोग भिक्षा देते हैं ब्रज के सभी लोग भिक्षा दिए तो ऐसे अलग निरंजन कहने लगे। दौड़ करके जटला जी आई ओ कोई बालक साधु आया बालक साधु बालक ब्रह्मचारी बटू आया कहे बेटा ठहर जाओ ठहर जाओ अभी आके बस घर में गई भरे ते गए और सुंदर सोना थालाते आटा एखने ओखने बंगला से चावल एखान से आटा दाल घी मैदा जा किछु आछे सब गुली निये आसले निये बोले बाबा तुमी लो। उनी बोलें जैसे हम तुम्हारे हाथ से चली बोना मैं तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगी लूंगा क्या बाबा तुम्हें लीले ना तो तुम विधवा हो तुम्हारे हाथ से मैं विधवा का लोगों का हाथ का नहीं देता और मैं जा रहा हूँ दूसरे के घर में चला जाऊंगा वहां से कुछ भिक्षा मिल जाएगी उन लोगों के घरे जाओ कुछ भी खा पावा जाए। हम एक जगह से शुद्ध गोदोहन का जो तो 5 मिनट मात्र गोल गुहा जाए तो 5 मिनट मात्र साधु और साधु बोले एकटा नियम छो बस गाय को धोने में जितना समय लगता है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बस उतना ही देर तक रहेंगे इसके बाद हम चले हमारा वो 5 मिनट होगा आप जा रहे हैं। कहे नहीं बाबा हमारा सर्वनाश हो जाएगा सवेरे सवेरे अभी बहनी का समय सवेरे सवेरे अभी यदि तुम खाली हाथ लौट जाएगा यदि तुम खाली हाथे यदि चले जाओ तहे तुम्हार सर्वनाश हो हमार गोरुगुली नष्ट हो जाए हमार छेलेर असुख विसुख हो जाए हमार कोनो छेले नाय नाती नाय एकटो नाती हमार बाड़ीते तो होबे एई सब कत रकम ताके मनाई चला गया। उनको मनाने लग गए कहने जल्दी से जल्दी करना है तो तुम्हारे घर में कोई ऐसी बहू वहू है तो बुलाओ नहीं तो हम चले जाए। अच्छा बाबा तुम 2 मिनट एक तो थाको तुम्हारा हमें पाए पड़ी लौटा के दे जल्दी से अपनी बहू माँ से बोली बहू माँ के बोल रहे माँ चलो तू चले तो साधु इसे बाल तेजस्वी अभी बाल सन्यासी बाल बटू अभी आप खूब विद्वान चलो तुम्हें ना हम कखन जाब ना हम कोनो पर लोगेर काछे एमन ही तो तुम्हारा दुर्नाम कर तुम्हें हमार माँ ठाकुरानी और हमारी बदनामी करो और तुम्हें जदि कुछ चुप खा बताए ननद मोसा ग्रामे ते गए ढोल पीटिए दिए हमारे विरुद्ध है बोले दिया ढोल बजा करके हमको कहेंगे ये हमारी बदनामी करती हैं हम नहीं जाएंगे अरे साधु चले गए हमारे देश सर्वनाश हो तुम्हें शीघ्र चलो कुछ नहीं जाए तब ललता विशाखा इत्यादि उनके चरण को पकड़ के बोलिए बेटी तुम लोग इनको तैयार कर दो नहीं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा हमारे हाथ से वो लेता नहीं है और वो सन्यासी बड़ा तेजी है वो बच्चा जरूर कुछ अभी संपाद दे करके चला जाएगा और वो 1 मिनट से ठहरेगा नहीं अभी जल्दी से जल्दी इसको दो। तब उन लोगों ने राजा जी से कहा फिर अंत में अच्छी बात है ठीक है चलती यही बोले सुंदर सोना थाला थे सब जिनिस पत्र लिए दिया ले करके और चली जा करके गई कृष्ण ने देखा जैसे हम जिसको चाहते थे वही आए हम जाके क्या खिलाम से ये थे घूमू एकदम यहाँ तक लटका दिया जैसे कि इधर के रीतियाँ हैं घूमू तो एकदम नीचे तक लगा दिया और थाल में लेकर के जब वहाँ पर पहुँची भिक्षा देने के लिए जब हम भिक्षा के बाद जब दीते लग लें भिक्षा ऐसा मैं नहीं लेता क्या जिन्हें सतवा है विधवा है नहीं जिन्हें क्या है तुम्हें खे ना जिन्हें हमारे साथ देखते पुरुष नारी ना की तुम्हें हम ये रकम भी बोला तुम लड़का है कि स्त्री है कि क्या है हम नहीं लेके
ललिता इत्यादि जी ने कहा जय भाई दे दे। फिर जब देने लगी कहा जी मैं ये भिक्षा नहीं लेता, मैं तो किसी भिक्षा के लिए आया, विशेष भिक्षा के लिए। आप सारे परमानी हो गई क्रोध करते और आपके बिना मैं रह नहीं सकता, तुम भी हमारे बिना नहीं रह सकते, तुम ही हमारे छाड़ा तुम्हें छाड़ते पर ना हम ही तुम्हारे को नहीं छाड़ते। এখন আমি ভিক্ষাতে এসেছি, এই ঝোলি আমার, তোমার মানরূপী ভিক্ষা আমার ঝোলিতে দিয়ে, তোমার যে মান হ্যাঁ ওই আমার ভিক্ষা মে দে দো, ইয়ে সব হম লেকর কে ক্যা করেন। জব ইস প্রকার সে কহা তো শ্রীমতী রাধিকা জি মুস্কুরা দিয়ে, আরে তো ঘুঙ্গুট উঠা দিয়া আর ফির ইসকে বাদ মে মুস্কুরা কর জো কুছ লাই থি উনকে সির কে উপর মে ঢাল দিয়া আর ঢাল করকে বাঁধা। कृष्ण जी का भी मनोरथ पूर्ण हो गया, उनका मन भी भिक्षा के रूप में ले लिया। ऐसी सब लीलाएं हुई। एक समय कृष्णचंद्र जी देखा, दो एक ही बतलाऊंगा, जसोदा मैया अपनी पिटारी में बक्से में निजे पिटारी मैंने बादशाह थे बड़ो लंबा चौड़ा बादशाह और तार मध्य সুন্দর সুন্দর সোনার আভূষণ জহরা মোতি হীরা আর স্বর্ণ জটিত বস্ত্র ওইসবগুলি সাজাচ্ছেন, ও সাজা রই হ্যাঁ বক্সে কে অন্দর মে সোনা কা কঙ্গন সোনে কা হার ইহা পর চূড়ামণি কমল কি করতে বহুত আচ্ছা আচ্ছা অলঙ্কার বেশ কিমতি অলঙ্কার তিনি সাজাচ্ছেন। কৃষ্ণ হঠাৎ করে চলে আসলে, মনে পর যে কৃষ্ণ যাতে না দেখে, কিন্তু কৃষ্ণ হঠাৎ করে কোথা থেকে মা এগুলি কি করছ, মা তুমি যাও, তুমি চলে যাও, আপনি পিছে আ যান, মা তুমি আমার কে বলে দাও প্যার সে কে সাথ মে উনকা ছড়ি পকড় করকে আর প্যারে বন্ধ করকে বেশ আনে লগে। মৈয়া তুই বতা দে হমে, তুই ইয়ে ক্যা করি, হামারা বর্ষনাশ তো নহীং আ রহা হ্যায়, হমে পহন আয়ে গি, মানে হমে আমাকে তুমি পড়াবে নাকি আমার বর্ষনাশ বার্ষিক দিন কিছু বলেন, তুমি যা তোমাকে বলছি না যা পরে আসবো আমার এখন ফুরসত নয় বলবার, সমঝ গে যে ইয়ে বর্ষ যা রা হ্যায় যাওট মে ইয়ে যায়গা কিস লিয়ে কি জো জটিলা হ্যায় ও প্রসন্ন রহ করকে রোজ রোজ ভেজা করেন, जब देखेंगे बहु के लिए इतना उपहार दे रही हैं, बहु जन ना तो उपहार भालो भालो दीस से यदि ना पठाई तर तर दीबे ना ए लोग है जन पठा दे तो जो सदा मां बोले छिले ठीक नौटा समय तुम्हार पुत्र अभिमन्यु के पाठी दिले हमारे खाने जटिला के जटिला को कहा जे तुम अपने पुत्र को 9 बजे भेज देना सवेरे, नहीं तो दूसरे को दे देने से ये बेशकीमती चीज कभी कोई लेकर के इधर उधर चला जाए तो तुम्हारी बहू के यहाँ नहीं पहुंचेगा, इसलिए अपने स्वयं लड़के को भेजना। अभिमन्यु ओखाने उपस्थित नहीं थे नंद गावे बक्सर साजिए दिया होते बक्सर साजा करके जसोदा माँ किसी काम से गई और उधर फिर तो सुबल सिद्धान को लेकर के आ गए, सुबल सिद्धान के लिए ऐसे गए थे जो तो कापड़ चापड़ जाए अलंकार सब पूरी बाहर कर दिए बाहर कर लिलो और सही खाने नीचे बस दिए सुबल चाबी दिए सुबल को बैठा सुबल ने उनको बैठा करके और उसमें ताला और चाबी खूब अच्छी तरह से लगा दी जैसे पहले लगा था, बस वो आया और अभिमन्यु आ करके और अपने सिर पर उसको उठवा दिया और उठवा करके लेकर के वो यहाँ आया, आ करके अपनी मैया के पास में रखा। मैया ने कहा जैसे हमको ये सब की क्या जरूरत है, बहू पहनेगी कपड़े लगते ये सब घर में जाकर के रखाओ, घर में अंतर महल में आया और अंतर माले तेनिए ताकि कापड़ चापड़ एक बादशाह रखे दिलो, जखन बादशाह रखे दिलो तखन श्रीमती इत्यादि भारी आनंद देखी ये माँ जसोदा की पाठी छे अमर जन्म उपहार, तखन जटिला कुटिला सब बाहर चले गए थे আর ইতিমধ্যে সব সখী গণের মাঝখানে দেখে খোলা হল, খুলে দেখে শ্যাম সুন্দর ওখানে বসে আছে, এসে এসে সব তরহ তরহ কি ক্রীড়ায় ইহাঁ পর করতে হ্যাঁ।
कभी कभी उनके घर में आकर के बैठ गए और इतने में जटिला और कुचिला को गंध लगे ये जरूर आया है अभी निश्चय अखने ऐसे छे तखन ताके खोज चला ये कोथा छे कृष्ण ने देखा जी सर ये तो खोज करके हमें बाहर कर लिए हम तो खोज भी दे तखन कृष्ण झट करे कालो धारण कर दिए काली छे बोले जे काली हो गई ऐसा गेहूं मट्टी लगा लिया और काली का करिखा लगा करके और साड़ी पहन करके बस वहीं पर खड़े हो गए काली जैसा रूप जी को जी बाल रख दिया ऐसा जैसे कर उन्होंने कहा ये देवी प्रकट हो गई देवी ने कहा यदि वर मांगना है तो मांग लो बस चट वहां करके नमस्कार करके ऐसे ही सब मिलाए हुए अब अधिक नहीं आप लोगों को भी लोग उत्पन्न हुए लाओ में भजन कीजिए विधि मार्ग से पहले भजन करते 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 गुरु वैष्णव की सेवा करते करते यदि यहाँ के गुरु चुना भी हो गए तो जीवन सार्थक हो जाए इन लीलाओं में प्रवेश आगे नहीं होता लाखों करोड़ों वर्ष तक लाखों कोटि वर्ष पर्यंत जन्म जन्मांतर धरे एरकम सार्थक यदि केउ करे ताले एरकम हेते ब्रजवासी बने रूप सनातन कृपा होवे आ तापरे ओई समस्त मते एक टू प्रवेश एक रोग उत्पन्न होवे सहज व्यापार न এই জন্য বেশি সব কথা না বলে দিয়ে এইটা বুঝতে হবে শ্রীমতী রাধিকারিতা শ্বশুর বাড়ি কিন্তু রাধিকা রানীর অন্য কোথাও বিবাহ হয়নি কই দূসরি জায়গা বিবাহ নই হই কৃষ্ণ অভিমন্যু জেসে ছায়া মে আ করকে আর উনকে সাথ মে পানি গ্রহণ কিয়া ইসি তরহ সে বহু সি লীলা হ্যায় ব্রজ মে কিতনে কিয়া যে অভি হম চলেঙ্গে নন্দগাঁও মে ইহীঁ সে পাশ মে এক দো মাইল মে পড়েগা ও ফির কদম্ব যহাঁ পর কি ও खड़े होकर के रात ऊपर में बैठ जाते वृक्ष के ऊपर में वहीं से बंसी बजाते लाखों कोटि गाय वहां पर चली आती मणियों से जो माला थी उसी से लाखों कोटि को समझ जाते जाए और पुकारते उसे को बंसी में फिर वही आ जाते इसी प्रकार से ये सब लीलाओं का स्थान है हम लोग ऊपर चलकर नंद बाबा का स्थान और उसके बाद में उद्धव के आय इत्यादि का दर्शन करके गौ प्रणाम सकले आराध्य स्थान पूज्यपुर में ब्रह्मा एवं शंकर बहुत दिन धरे तपस्या एवं कृष्णेर आराधना करे छिले तखन कृष्ण प्रकटित हुए तादर के बोले छिले जैसे तुम्हारा की चाओ तुम लोग क्या चाहते हो तखन ब्रह्मा जी बोले छिले যেখানে আপনার প্রিয়া বিভিন্ন প্রকারে ক্রীড়া করেন সেই বর্ষভানুপুরেতে যেন তাহার লীলা আমার উপরে যেন আমি যেন পাথর পাহাড় হয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার উপরে তাহার লীলা বিলাস তখন বললেন যে সে এও মস্তু এসাই হো তখন তিনি ব্রহ্মগিরি ব্রহ্ম পর্বত হয়ে বর্ষানাতে তিনি জন্ম লাভ করেন আর এখানে নন্দীশ্বর শঙ্কর মহাদেব তিনি ভগবানের পরম ভক্ত তিনি তার নিকটে প্রার্থনা করলেন যে আমি চাই যে আপনার চরণ ধুলি আমার মস্তকে সব সময় পড়ু এমন আপনার ভুবন নন্দ বাবার ভুবন যেন আমার উপরেতে হোক তখন যে এও মস্ত এসাহি তখন এইখানেতে শঙ্করী মহাদেব এই পর্বত হয়ে তিনি জন্ম নন্দীশ্বর তাহার নাম এখানে নন্দ বাবা প্রথমে তার পুরুষানুক্রমে এইখানে থাকতে একজন রাজা ছিলেন তাহার নাম ছিল আজ আমি তার দুইটি পত্নী মধ্যে এক ছিলেন গালিনী আর এক ছিলেন ক্ষত্রিয়ানী ক্ষত্রিয়ানী গর্ভেতে নন্দ বাবার বাবা পরজন্য জন্মগ্রহণ করলেন পরজন্য মানে কি মেঘ যে বর্ষা করে আর একজনের যে ছত্রিয়ানী ছিলেন তার থেকে পুত্র হলেন তিনি তার নাম হলো সুরসেন দুজন ভাই লাগলেন একটি ছত্রিয়ানী গর্ভবতীকে আর একজন বালিনীর গর্ভবতীকে তো এ দোনো ভাই লাগতে হ্যাঁ নন্দ
इसके बाद में परजन्य के पुत्र हुए नंद महाराज, उपानंद, नंद, सुनंद, अभिनंद, आनंद, पांच जन पुत्र। अब सुसेनेर पुत्र हैं वसुदेव महाराज, तहां बड़ो भाई लागते हैं उग्रसेन, तिनी अन्य माता थी के उत्पन्न, तादेर संग बेस कुटुंबगिरी छिलो। परवर्ती काले ते नंद थी के होलेन कृष्ण, और वसुदेव महाराज जो सुसेनेर पुत्र, तार थी के ओइखने कृष्ण एवं बलदेव होलेन। आबार एर मध्ये बहु रकमेर रहस्य आमी बार बार बोलेछि। एइसब कृष्ण किन्तु आंशिक रूपे ते वसुदेव देवकी गर्भे ते ऐश्वर्य भाव धारण करे ओखने ते आविर्भूत होलेन, आर नंद भवने ते जशोदार गर्भे थेके जन्मलीला प्रकाश करे एक समय ते युगपत दुजनेर आविर्भाव होय। ओइखने आविर्भाव एखने ते जन्मलीला ओखने होलो कि रकम हबेते। এখানে পূর্বে তাহারা বসবাস করতেন পরজন্য, কিন্তু তাহার পাঁচ জন ছেলে হলেন, সব ছেলেদেরকে বিবাহ দিয়েছেন, সব লড়কো কি শাদী কর দি। নন্দ বাবা ভি কি শাদী যশোদা জি সে হুই, কিন্তু সবকো হোনে পর ভি সবকো তো পুত্র হুয়া চার ভাইও কো, কিন্তু নন্দ বাবা কো কোই পুত্র নেহি। নন্দ বাবার কোনো ছেলে হলো না। অনেক দিন তিনি প্রতীক্ষা করলেন যে আমার কোন একটি নাতি হোক নন্দ বাবার ছেলে হোক। বয়স তার বাড়তে লাগলো, তিনি প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হলেন, 50 বছরের প্রায় বয়স হয়ে আসলো, কিন্তু তার কোন পুত্র নাই। তখন এইখানে যে একটি বন আছে নিকটেতে, তার নাম হচ্ছে আশিষেশ্বর মহাদেব। আশিষেশ্বর মহাদেবের নিকটেতে ওইখানেতে তিনি প্রতিদিন স্নান করে আর ওই শঙ্করের আরাধনা করতে লাগে। আরাধনা করতে 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 শঙ্কর সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তো দেখলেন এই নন্দ বাবার নিত্য পুত্রই কৃষ্ণ। তখন আমার বলতে দোষ কি আমি বলে দিই? তখন তিনি বলে দিলেন যে হ্যাঁ, তোমার নাতি হবে খুব সুন্দর, আর জগতের মধ্যে সেটি প্রসিদ্ধ হবে, নারায়ণের সমান তাহার গুণ হবে, পরম সুন্দর, সকলকে আকর্ষণ করবে, তুমি কোনো চিন্তা করো না। তখন সেই বর্ণী আতন প্রসন্ন হলেন, এইখানে তিনি ফিরলেন। কিন্তু এখানে কেশী দৈত্যের যেরকম হতে অত্যাচার বাড়তে লাগলো এবং অসুরগণের অত্যাচার বাড়তে লাগলো, শেষ পর্যন্ত এখানকার গরুগর সব ঘাস চড়ে নিল। গলাদের তো চাই গোপদের চাই ঘাস গরুর জন্য, আর খাবার জন্য জল চাই, আর তাহাদের কোনো প্রয়োজন নাই। এই জন্য কেশী দৈত্যের নানা প্রকারের সে অত্যাচার বলতে লাগলো, কংস চর পাঠাইতে লাগলো, আর এদিকে দেখলেন যে সেখানকার ঘাস গুলি সব শেষ হয়ে এসেছে। অতএব বিচার করলেন নন্দ বৈঠক, নন্দ বাগের তো আছে ওইখানে বসে বিচার হলো যে কি করা যায়। তখন দেখলে এখানে আর থাকা চলে না, আমরা চলি এখন যাই মহাবনেতে। ওইখানে নিকটিতে যমুনা নদী প্রবাহিত সুন্দর বন, বিশাল তাহার এরিয়া, তার নামই হচ্ছে মহাবন। গরুগুলিকে চড়বার জন্য প্রচুর ঘাস রয়েছে, কোনো উৎপাত নাই, কিছু নাই, চলো ওখানে যাই। বৃষভানু মহারাজ তাহার মিত্র ছিলেন, তিনি বলছে বাবা তোমরা যদি যাও তাহলে আমিও সঙ্গে চলি। নন্দ বাবার ছিল কত গরু? 9 লাখ, আইনার ছিল 11 লক্ষ। সব প্রকারের নন্দ বাবা থেকে তিনি কমান বড়। এখন তারা দুজনই করে দিয়ে ইনি চলে গেলেন মহাবনেতে, আর উনি চলে গেলেন পাশে পাশেতে, তার শ্বশুরাল শ্বশুরাল ছিল। তখন তিনি চলে গেলেন রাওলেতে, ওখানে থাকতে লাগলেন কুছ সময় পরেতে। অল্প সময় পরে কৃষ্ণের ওইখানেতে প্রাদুর্ভাব হয়, ওইখানে লীলা প্রকাশ করে। 15 দিন পরে
श्रीमती जस कृतिका सुंदरी गर्भेते श्रीमती राधिकार जन्म है अथवा कमल पुष्पेते जेरकम हमें वर्णन करे छिलाम ओखाने रावलेते जमुना स्नान करते कृष्णभानु महाराज राधिका के प्राप्त हुए उनको राधिका को मिली और उनको लेकर के उनको दे दिया कृतिका जी। अब ये 15 दिन की छोटी बड़ी है लीलाएं फिर सब हो गई। फिर वहां से जब देखा जे पुतना और तृणावर्त शकटासुर ये सब उत्पात करने लग गए जमलार्जुन भंजन हुआ उसमें भी कृष्ण के विपत्ति की बातें हुई। सोचा जी अब यहाँ नहीं रहना है बस वहां से गायों को लेकर के अपने पूरे परिवार को लेकर के कृष्णचंद्र जी को पिता नंद बाबा चले गए छठी करा में वहीं पर अपना बनाया नगर बसाया। गाड़ियों से ही नगर चलता था ब्रज माने की ब्रज ब्रजती इति ब्रज माने चलती चलता है गाड़ियों पर ले लिया सामान गायों को हाँक दिया बछड़ों को ले लिया परिवार के साथ में चले गए जहां गए बस वहां पर ठहर गए। इसी तरह से ये सब गोकुल है इसका भी नाम गोकुल है जहां जहां गायों को लेकर के गोकुल कुल माने समूह गायों को लेकर के गो गायों को गो माने गो वत्स गो माने गो गो माने गोपी सब लोगों को लेकर के चलते थे। तो कृष्ण छठी करा में पहुंचे और वो पासी में राल ग्राम में फिर वहां पर पहुंचे फिर वहां से राधा कुंड इत्यादि पास में रहे फिर वहां से काम बन को आए शेरगढ़ जिसको अभी कहते हैं खेलन बन राधा जी कृष्ण वहां पर भी कुछ दिन रहे और फिर लौट करके जब आए तब उस समय उनकी उम्र पौगंड उम्र हो गई थी। पौगंड माने 5 से लेकर 9 वर्ष के 10 वर्ष के अंदर में जो उम्र होती है उसको पौगंड कहते हैं। पहला बचपन यहाँ पर जन्म हुआ वहां और पौगंड उम्र में फिर 8 वर्ष से और 11 विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उनके एक एक दिन का हिसाब दिया है श्रीमद भागवत की टीका में कहां पर कैसे रहे कौन कौन सी लीला कौन कौन सी तिथि को ये भी वर्णन किया गया है। विशेष जानने के लिए श्रीमद भागवत की टीका देखें। फिर यहां पर आकर के गोपाष्टमी अब आने वाली है हम लोग गोपाष्टमी को यहाँ आते थे गोपाष्टमी दिने चमरा एखने आस्तम गोपाष्टमी को यहाँ पर बड़ी भारी सुंदर रूप से प्रोसेशन लेकर के गोप लोग गायों को लेकर कृष्ण और बलदेव गोचारण करने के लिए जाते हैं। पहले दिन जसोदा जी यहाँ पर तरह तरह से कृष्ण का श्रृंगार करती हैं मोर मुकुट पहना देती हैं ब्राह्मण लोग स्वस्ति वचन वाचन करते हैं और मुश्किल से उनको छोड़ती हैं। जब जाती हैं तो बहुत दूर तक उनको पहुंचाने के लिए जाती हैं अनेक दूर पर्यंत जसोदा मां नंद बाबा आप ब्रजवासी उन्हा के लिए जिए दिया से कृष्ण शपथ करते हैं मैया तू लौट जा पिताजी आप लौट जाए। फिर उनको लाल लड़ा करके आशीर्वाद दे करके और तब फिर उनको छोड़ते हैं। बलदेव जी प्रतिज्ञा करते हैं मैं इसकी सब प्रकार से रक्षा का भार अपने ऊपर में लेता हूं। जसोदा जी की एक दासी थी उसका पुत्र वो सब समय तपस्या करती थी जो हमारा लड़का एक ऐसा पैदा हो बलवान जो कृष्ण की सब समय रक्षा कर सके ऐसा ही उसको पुत्र हुआ। वो कृष्ण से बड़ा हुआ कृष्ण के तरह तरह के सखा हैं कोई सखा कोई प्रिय सखा कोई प्रिय नर्म सखा कोई सुहित सखा ऐसे सब सखा है इसका भी बड़ा रसमय विभाग है। प्रिय नर्म सखा उनके गोपियों से मिलन में भी उनका संग देता है ऐसे सखाओं में सुबल सिदाम मधुमंगल इत्यादि लवंग इत्यादि है स्तोभ कृष्ण है। सखा लोग उनसे छोटे हैं तम उम्र में और उन कृष्ण की चरणों की सेवा करते हैं जब जब कोई जरूरत होती है गैया को हाँक करके लाते हैं। बस सब सखाओं को लेकर के गोचारण करने के लिए यहाँ पर जाते हैं प्रतिदिन और प्रतिदिन जब आते हैं लौटते हैं तो अट्टालिकाओं से गोप्रमणिया उनका दर्शन करती हैं कई कुंज से दर्शन करती हैं। इस प्रकार से सब लीलाओं का यहाँ पर ये सब लीलाएं संपन्न करते हैं। यहाँ पर हम लोगों के गोविंद लीला में
और विशेष करके गोपाल चंपू इत्यादि में जी गोस्वामी का वर्णन है, कहां पर रंधनशाला थी, नंद जी का रहने का घर कौन, यशोदा जी का घर कौन सा है, बलदेव जी रोहिणी को लेकर के मैया के साथ में कहां रहते थे, यह सब का बड़ा सुंदर वर्णन है। रसोई घर के पीछे सुंदर बगीचा है जिसमें तरह तरह के कदम संभाल और तरह तरह के फूल फल वाले वृक्ष हैं। उधर भी दरवाजा है, इधर भी दरवाजा है, रसोई घर बीच में है। रसोई घर से एक तरफ में कृष्ण जी का घर और बीच में एक स्थान है जहाँ पर की श्रीमती राधिका जी रसोई करने के बाद में जब क्लांत हो जाती है तो उसमें आती हैं, वहीं से राधा कृष्ण का दर्शन होता है। इन सब लीलाओं का यहाँ पर वर्णन है। हम लोग का परम सौभाग्य है जो ऐसे जगह में हम लोग आए हैं। हम लोग हमारा बृहस्पति सहकार्य कार्यकर्ता धूली हमारा मस्त कहते धारण कर दिए, नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण दाऊ जी रोहिणी जी सब परिकरगण के प्रणाम कर दिए। तापर एक हंती के हमारा कर्म सब नीचे जाओ अपना एक काज करबन, एखानकार पांडा खूब सुशील हमारा दे, गरीब लोग अल्प वैसे से थी परलोक गमन करेगा तहन एक तो असुविधा तैयार है, अपना जब किंचित कुछ कम से कम एक टाका तो अवश्य ही दू टाका दी से पंता भाव आर ना दिले कोथा दीबे कहाँ देंगे आप लोग, इसलिए पंडा जी के लिए जरूर कुछ आप लोग यहाँ पर एक रुपया दो रुपया पाँच रुपया जैसा भी आप लोग हो सके यहाँ पर और बरसाना में, ये दो जगह बंद होगा है, इसके बाद में तो हम लोग मथुरा जाएंगे फिर, इसलिए पंडित जी को देना चाहिए कुछ दान विस्तृत यात्रा में होना चाहिए, इसलिए आप लोग सब पंडित जी के लिए कुछ कलेक्शन करके दे दें, हम लोग इन्हीं पर उनको दे दें। गौ प्रमाण हैं, ये स्थान है उद्धव क्यारी, यहीं पर गोपियों के साथ में उद्धव जी मिले थे। अभी हम लोगों का कीर्तन बंगला में बड़ा ही सुंदर सरस कीर्तन है, भावपूर्वक की कीर्तन करने से ऐसा कोई भी पत्थर तक भी नहीं होगा जो पिघल नहीं जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कीर्तन कर रहे हैं, बंगला जानने वाले लोग तो कीर्तन से ही समझ गए, जो कि हिंदी जानने वाले हैं उनके लिए कीर्तन का थोड़ा सा भाव मैं बतला रहा हूँ। हमारे 6 गोस्वामी थे, रूप सनातन जीव गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, ये 6 गोस्वामी थे। उसमें से ये रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उन्होंने ये पद लिखा, कभी राधा कुंड में हा राधे हा राधे हा राधे कर, कभी श्याम कुंड में उनकी हृदयेश्वरी आराध्या देवी राधिका थी, वो तो कहते हैं कि मुझे ब्रजवास से कोई लाभ नहीं, हमें राधा कुंड में रहने से भी कोई लाभ नहीं, हमें कृष्ण से भी कोई जरूरत नहीं है यदि राधा जी की कृपा नहीं हो गई। आशा भरई अमृत सिंध मयी कथनचित काल मयाति गणिता के सांप्रतम ही त्वंचेत कृपा मयी विधास्य नैव किन्मे प्राणे ब्रजेन बरोर बकारिणा थी, कृष्ण से मुझे जरूरत है, कृष्ण संग हमारे कोनो दरकार नहीं, राधा कुंड थे के लाभ की, वृंदा बने तमर थे के लाभ की, यदि राधा रानी कृपा ना हो এইজন্য কখনো রাধাকুণ্ড কখনো গোবর্ধন কখনো নন্দগাঁও কখনো এই স্থানে গড়াগড়ি দিতেন, পাগল হোকর মত্ত হোকর কবি ইহা লোটতে থে কবি উহা লোটতে থে, খানা পিনা সব কিছু ভুল গে, রাধে প্রেমময়ী কোথায় গো রাধে কোথায় গো রাধে, এই সব বলতে থে। উনোখা জীবন চরিত্র হি রাধের জীবন চরিত্র কৃষ্ণ প্রেমে থে, রাধারানীর ভাবে থে বিভোর কোথায় আত্মা কে আমি পাবো, এইভাবে তিনি কীর্তন করতেন। এই কীর্তন কীর্তন মে বর্ণন কিয়া যে কবি গোসাই রাধে রাধে নাম উচ্চারণ করতে কে রা রা কহ করতে বস ভাব মূর্ছিত হো গে, ধার শব্দ উনসে নিকলতা নহীঁ থা আর জমিন মে লোটনে পোটনে লগতে থে। ইয়ে স্থান মে ভি আয়ে, রূপ সনাতন জি আয়ে, রঘুনাথ দাস গোস্বামী লোক আয়ে,
चैतन्य महाप्रभु जी स्थान में आए, नित्यानंद प्रभु जी स्थान में आए, यहाँ की चरण रज अपने सिर पर रखा वृंदावन में। इस स्थान का एक विशेष महत्व है, यही वृंदावन एक विशेष धर्म है। यही तो बुझते पर खाने के आसपे कौन आएगा यहाँ इस जंगल में? कृष्ण के समय में भी यहाँ पर कौन आता? उद्धव जी तक नहीं देख सके इस वन को, और कोई भी ब्रजवासी लोग नंदगांव के भी इसमें नहीं आते थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था ये सब कुंज। आज से हम लोग पहले 40 वर्ष पहले गुरुजी के साथ इस वन में आए, और उस समय में यहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे कदम्ब के वृक्ष क्यारियाँ लगी हुई थी, क्यारी को तो गुली छिलो सब, हजार हजार वन ये कदम्ब के वृक्ष उनके फूलों से सुगंध से भरपूर हो जाता था। इसमें मयूर नाचते थे, कोकिल बोलती थी इसमें। धीरे धीरे अब देख रहे हैं कलयुग है, उनके बदले में ये सब बबूरों का पेड़ बन गया, बावला वृक्ष बने गए, सब गाछ को अंतर्ध्यान हो गए, क्रमे क्रमे साधु संतरा अंतर्ध्यान हो आश्चे। बहुत कम अब साधु संत लोग विशेष करके इस भाव वाले इस ब्रज में भी यार कहीं भी हैं, बहुत कम हैं, हैं किंतु बहुत कम हैं। इसी जगह में कल मैं बतला रहा था शाम को बेकाल बेला में एकन कारी कथा बोलते छिलाम, श्रीमती राधिका जी यहीं कमल के सेज पर, कमल फूलों की सेज पर सोई हुई हैं, कमल पुष्प सजाते सोए आते, और चंदन में कस्तूरी मिला दी गई, और जो जलता है कर्पूर इत्यादि दे दी, और शीतल सुशीतल बन गया, राधा जी के अंगों में लगा दिया, कांचन पुतलिका है मैंने सोनार जने जरकम गोलिये दे और मने तो खूब पतला सूक्ष्म एक बिछाना ऊपर सुया छे, कमल पुष्प गुली एकबरे ते चुरमार हो गल, चंदन गुली एकबरे ते सूखे गल, दूर थी के ओई दिख दिए उद्धव के गोपी गण एक खने ते प्रवेश कराई, प्राण आछे कि ना आछे जाने, सेई समय ते ताके निकटे बसिए दिलो सब गोपीगण, इनी भाव रत नेत्र ते दर्शन करछेन कौन कृष्णचंद्र के मथुरा ते आछे कि करछेन, हमारे के तो छेड़े गए छे, और ओखने जदुरमणिगण के नहीं है लीला इत्यादि विलास कर छे, यही संगम ध्याय ध्यानति संगमम कृष्णर यही संगठा दर्शन कर तार महाअभिमान हो गल। वही समय तो एक भ्रमर एखने आसलो श्रीमती राधिकार पाद पद्म के कमल ज्ञान कर दिया तार का छे गुंजार करते लागल, मन ये कमल फूल तार मध्य प्रवेश कर जाए, सही समय ते वही महामाननी महाभावेते अभिभूत मदनक्ष भाव संग युक्त श्रीमती राधिका चोख बंद कर दिए, चोख थी के जल पड़े अल्प, आरती बोल दो मत पकित बंधो मास विषांगी शपथ ने मधुप तुम्हें मधुपान कर दिए, मधुपुरी थी के मधुपतिर ओखने ते आर तुम एखने एस छ, मधुपुरी कथा जेखने मधु मान मद मद तैयारी है से हे मधुपुरी, और ओ मालिक के दोकान मधुपति मान कृष्ण सोईखान तुम आस तुम्हें पाठिए तुम्हें मद्यप नीतिटीति जानो ना कार का कि भावते जानते हैं पागलरा बुझे ना तो रकम है तो ओ जे रकम कृष्ण तहार दूत से रकम तुम तो जे आमी स्वामिनी आमी की भूल करेछी आमी मत कौन दिन छुई ना मिथ्यावादी तो प्रभु ये रकम मिथ्या कथा बोले आ तुम्हें ये रकम मिथ्या कथा बोलछिस आमी की जानी ना जे तुम मत खेये एसेछिस तुम्हार चेहरा बोलछे तुम्हार चोख बोलछे तुम्हार भाव भंगिमा बोलछे कि बोलछे तुम मद खेयेछिस प्रभु आमाके स्वामिनी ये रकम बोलबेन ना আমি মত তো ছুই নাই কোনোদিন জন্ম। আচ্ছা বলতো তোমার গোঁফেতে এই লাল লাল কুমকুম কোথা থেকে আসলো বলতে পারিস? যে কই আমার তো কুমকুম তো নাই, এই যে তো লাল আর হলুদ মিশিয়ে তোমার এখানে এসেছে বলি আমি, যে তুমি জানো যে কি আমি বলে দিই,
এই আমাদের সৌতগণ আছেন বৃন্দাবনেতে, মথুরাতে। সৌত মানে কি? আমারই সঁতে হ্যাঁ উহাঁ বাংলাতে কি বলে সতী। আর এক পতি কি দো পত্নিয়া হতি হ্যাঁ তো পরস্পর উসকো ক্যা কহতে সঁত কহতে হ্যাঁ ইধর ভি। তো সঁত হমারি সৌতিনো কা উহাঁ সে ও আপনে শ্রী অঙ্গো মে কুমকুম লগাতি হ্যাঁ আর কৃষ্ণে উনকা আলিঙ্গন কিয়া আর ও কুমকুম মালা মে লগ গিয়া আর তু উসি পর বৈঠা আর বৈঠ করকে আপনে গুফো মে লগা লিয়া গুলফো মে আর উসকো লেকর কে হমারে মানানে কে লিয়ে আয়া হ্যায় ইসে দেখ করকে তো হমে আর মান হো জাতা হ্যায় চলে যাও নাই হমনে এসা দোষ নাই কিয়া আপ হমে ক্ষমা কর দিজিয়ে হমারা কুছ ভি দোষ নাই দোষ কি বাত নাই কাতি তুম তো মদ্যপ হ্যায় না মার পি করকে আয়া মথুরা মে যাও আরে উনহোনে তো হমকো ভেজ দিয়া থে যাও যাও উনসে কহনা আপনে প্রভু সে আপনা প্রভু নিকটে বোল যা মথুরাতে বহু সম্মানিনী মে আছে রমণীগণ লক্ষ লক্ষ উদর যদি এক এক দিন এক এক রমণীগণের মান ভঙ্গ করে তাহলে তাহার বছর বছর বিতে যায় আর তুমি ওখানে যে যখন ওরা প্রসন্ন হবে তোমাকে প্রচুর মাত্রাতে পুষে দেবে এখানে আমাদের নিকটে তাহার এইসবগুলি বর্ণন করে আমার কী লাভ হবে তুমি চলে তথাপি যায় না মন মন করছে আছে পশু হয় চার পায়ে মানুষ হয় দুই পায়ে আর পশু হয় চার পায়ে পশু চার পায়ের কা হতা হ্যাঁ মনুষ্য দু পায়ের কা আর যদি ছ পর কা যদি কই জানোয়ার হো গিয়া তো ও কেসা হোগা পশু সবই মূর্খ তো তুমি ছয় পদে ওরা ভ্রমর হচ্ছে ষট পদে তুমি ছয় পদে অত তুমি মূর্খের মূর্খ মনে হয় তুমি যা মথুরাতে ওখানে পাবে এখানে কি পাবে আমরা কাঙ্গালিনী দেবার কিছু নাই ওখানে তারা রাজরানী সবগুলি এক এক থেকে এক এক টিপটরানী ওখানে তুমি যা চাইবে সবগুলি দিবে আমার প্রভুর আপনি নিন্দা কেন করছেন আমি নিন্দা আমি করছি আমি সত্যি সত্যি বলি আমরা তার তাকে দেখতে চাই নাই তার সঙ্গে প্রীতিও করতে যাই নাই জোর করে প্রীতি করি এলে যেরকম হবেতে যেখানে কমল পুষ্প থাকে কি কোনো পুষ্প থাকে ভ্রমররা ওখানে যায় মধু পান করলো অন্য পুষ্পেতে চলে যাবে আবার অন্য পুষ্পে এদের কারোর সঙ্গে মিত্রতা হয় নাই তোমার প্রভুরও তাই আমাদের সঙ্গে কারো তার মিত্রতা বন্ধুত্ব নাই তার এই স্বভাব আজকে এক লোকের সঙ্গে প্রীতি কালকে অন্য লোকের সঙ্গে প্রীতি আমার আর তার সেই রকম হয় প্রীতি চাই তুমি চলে যাও সামনি এরকম হয় আপনি নিন্দা তাহারকে করছেন তার তো কোনো দোষ নাই তিনি তো আমাদের আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছেতে তোমার প্রভুর কতগুলি কথা বলবো এই জন্মে নয় শুনি যে তিনি ভগবান আমরা কালো লোকের সঙ্গে আমাদের কোনো প্রীতি নাই পূর্বপূর্ব জন্মেতে শুনি যে সে একটি রাম রাজা ছিল সেটি তোমার মতনই কালো সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আমি এক পতিব্রতধারী মানে একটি মাত্র এক পত্নী পত্নীর সঙ্গে আমি থাকি আর কোনো পতি করি কিন্তু এইরকম হবে কামি যে বনে গিয়েছে বনে থাকে নিয়ে গেছে তার পত্নীকে এমন এমন কেউ করে না পত্নীকে ঘরে রেখে দে ভালো করে থাক সে বেটা মানে নাই চল তুমিও বনেতে বনে নিয়ে গেল আবার সেই পত্নীকে প্রসন্ন করাইবার জন্য চব্বিশ ঘন্টা তার সঙ্গে থাকে ইতিমধ্যে রামনের বোন পরমা সুন্দরী রূপ ধারণ করে আর তাকে দেখে লুব্ধ হয়ে গিয়েছে বলো যে সে আমি আপনাকে এই শরীর সমর্পণ করলাম তোমাকে আমি পতিরূপে বরণ করছি তখন সে কি বলল আমার ছোট ভাই বিবাহ হয় নাই সেটি মিথ্যা লক্ষণ তখন বিবাহ হয়ে গেছে লক্ষণের বিবাহ কি বানে তার তুমি তার কাছে যাও আমার তো এই সঙ্গে স্ত্রী আছে লক্ষণ কাছে গেল লক্ষণ বলছে আমি তো দাস তাহলে তুমি কি দাসী হতে চাও না রাজরানী
তাহলে রাজারানী যদি হতে চাও তাহলে আমার বড় ভাই দাদা আছেন, আমার বাবা 360 মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ করেছিলেন, তো ইনি দুটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ করলে কি ক্ষতি, তুমি যাও তাহার নিকট। তাই তো মনে করলো সরলভাবেতে, মেয়েটি সরল ছিল। তারপরে ওখানে আবার সে গেল রামের কাছে, রাম বলেন যে সে তোমাকে ঠাগাচ্ছে, তুমি তার কাছেই যাও। আবার তার কাছে গেল, সে আবার ফের রামের কাছে পাঠাচ্ছে, তখন তার হয়ে গেল রাগ। তখন সেটি কি করলো, বলে যে এই মেয়েটি হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া, এই মেয়েটাকে যদি আমি খেয়ে ফেলি তাহলে আর দুজনই আমার সঙ্গে বিবাহ কর। তখন যে সীতাকে ধরতে গেল, রামচন্দ্র ইশারা করে দেন, তার নাক আর কানটা কেটে দিল। এটা ধরো কার্তিক ছিল, আরে কামি পুরুষ, আবার ওই স্ত্রীর জন্য আবার ওর নাক কান কেটে দিল। নাক কাটলে বুঝিয়ে দিত যে আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ করবো না। নাক কানটা কেন কাটলো, এমন নিঃসুর যে আর ভবিষ্যতে তার সঙ্গে কেউ বিবাহ করবে না, এমন কুরূপ করে দিল। ওই তো আর বানর কেউ খায় না, বানর কেউ খায় না মেরে দে। বানর মানে নরের মতন, তাহার ওদের মাংস মানুষের মতন, তার কেউ শিকার করে না। আর ওই কালো পুরুষ কপটি ধূর্ত, সেটি কি করলো, বালিকে বিনা কারণে বধ করলো, আর গাছের আড়াল দিয়ে তাকে মারলো বান। সে কি দোষ করেছিল, আরে সেই দোষ তো করেছিল সুগ্রীব, সেই দোষ করেছিল বিভীষণ, তা তাহারকে মারলো না আর একে মেরে ফেললো বানরকে একটা, এটা তো উচিত হয় না। আর জানো কি, এই কালো শুনি একবার বামন দেব হয়েছিল, মহা ধূর্ত, ধূর্তের শিরোমণি বামন ছিল বড়, আর রূপ ধারণ করলো ছোট বামন আঙ্গুলে, বলিকে ঠগিয়ে নিল। কিরকম ঠগিয়ে নিল, যেরকম একটা ঝুড়িতে কেউ মালপুয়া টোকরি নিয়ে যাচ্ছে ঝুড়ি, আর কাগরা সেইগুলি খায় আর ঠুকরায় যে নিয়ে যায় তাকে, এইরকম হয়ে এউটি কি করে, সেই তার কাছে সব রাজ্য নিয়ে নিল, সব কিছু নিয়ে নিল, তাকে আত্মসমর্পণ করিয়ে নিল, আর তাহারকে বাঁধে কি নাক পাশেতে বেঁধে ব্রহ্মাস্ত্রে বেঁধে দিয়ে আর সেইখানে ফেলে দিল। ওই তো ব্রহ্মা আর প্রহ্লাদ মহারাজ এসে তাকে ছাড়িয়ে দিল, এমনই সে তীর্থ। আমাদের তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না, তুমি যাও, কালোর সঙ্গে আর কোনো আমাদের সম্বন্ধ নাই। তখন বলছে ভ্রমর মানব, রাধিকা রানী ভাব নেত্রেতে বুঝছেন, তখন তিনি বলছেন কর দিয়া, কৃষ্ণ তো এসে নেই হ্যাঁ, তো উনকা চরিত্র ভি কহনা ছোড় দো, উনকা নাম ভি ভুল যাও, উনকি বাত মত মন মে লাও, তো এই তো হমলোক নহীঁ কর পাতে, হম চাহতে হ্যাঁ কি উস ঘাট কে তরফ মে নহীঁ দেখেন জিস পর ও যাতা হ্যায় যমুনা কে কিনারে, হমারি নাক উসকে গন্ধ লেনে কে লিয়ে সব সময় রহতি, হমারা মন সবই উনহীঁ কি চিন্তা করতা হ্যায়, এক বার ভি কিন্তু হম জানতি হ্যায়, এক বার ভি উসকা যদি কান মে নাম পড় যায়, উসকি লীলা কথা কাম মে পড় যায়, তো আদমি কেসা বন যাতা হ্যায়, স্ত্রী পুত্র পরিবার সবকা স্নেহ মোহ মায়া মমতা কথা কর, আপ লোক ইহা পর কিস লিয়ে জঙ্গল মে ধুল ফাঁকনে কে লিয়ে আই, ক্যা জরুরত হ্যায় আপ লোগোঁ কো ইহা আনে কি, রুপিয়া ভি খরচ করতে হ্যায় রোনে কে লিয়ে আতা, কোই রোনে কে লিয়ে রুপিয়া খরচ করতা হ্যায়, ক্যা জরুরত হ্যায়, কোই আমেরিকা সে আ গয়া, কোই ইংল্যান্ড সে আ গয়া, কোই কহাঁ সে আ গয়া, কিস লিয়ে, ইয়ে বেচারো দেখো তো ইংল্যান্ড সে আ গয়া, ও ভি ইংল্যান্ড সে আ গয়া, ও ভি ইংল্যান্ড সে আ গয়া, কোই অর ভি আয়ে হুয়ে হ্যায়, কোই বঙ্গাল সে আয়া, কোই পুত্র, কিস লিয়ে, ক্যা জরুরত হ্যায় ইহাঁ পর ধুল কে অতিরিক্ত, পানি খারি অর আর বলি সারি, বলি সারি গালি, গালি গালোজ কি গালিয়া, লঠধার কে বলতে হ্যায় সব লোক, ইহাঁ আনে কি ক্যা জরুরত, পেসে গোপিয়া কহতি হ্যায়, এক বার যদি কানো মে নাম পড় গয়া তো ঘর সে বহুয়ে নিকল যায়েঙ্গি, আচ্ছে আচ্ছে লড়কে সব আপনি পত্নি আর পুত্র আর সবকো ছোড় করকে নিকল আতে হ্যায়, আর ভিক্ষা মাং করকে জীবন নির্বাহ করতে আপনে ভি রোতে হ্যায়, ইসলিয়ে হমলোক পহলে নহীঁ সমঝি, আব সমঝ রহি আপ কুছ ছোড় চাহনে সে ভি যে ছোড় দুঁ নহীঁ ছুটতা হ্যায় ও না। ফির গোপিয়োঁ কো কুছ অনুসন্ধান রাধাজি কো হুয়া, মানে ইনকো বহুত দুৎকারা, বহুত কুছ গালি গালোজ ভি দি, কিন্তু উনকা সমাচার কুশল পুছা নহীঁ,
तब फिर पूछते हैं अभी वह मधुपुर या आर्यपुत्र उधुनास्ते। आर्यपुत्र हमारे गुरुकुल से पढ़ करके आ गए, कहाँ पर हैं? ओहो, क्या कभी भी स्मरति सपित्र गया है? अपने सखाओं को कुछ सोचते हैं जो हमारे सखा लोग सुदाम सुबल कहाँ हैं? हमारी सबली कालिंदी धवली ये सब गायें कहाँ हैं कभी सोचते हैं? उनके बछड़े कहाँ हैं? नंद बाबा और यशोदा मैया अंधी हो गई कि क्या हो गया? सभी आदमी सबको भूल सकता है, हमसे तो उनकी कोई शादी नहीं, हम लोग तो उनसे कोई संबंध नहीं थी। अरे नंद बाबा पिता और मैया इनको तो कोई भूल नहीं सकता, ताके क्यों भूलते इसे ताके भूल ही थे। स्मृत से पितृगिहान बंधुश्च गोपान भुजम अगुरु मूर्धन्य धास और मठ। तो क्या दशास्त्र में कृपणया सखी दर्शन कहते हैं कि ओ अच्छा कृष्ण कभी भी भूल करके भी हमारा स्मरण करते हैं? क्या स्मरण करते हैं? यहाँ की मथुरा निवासियाँ रमणियाँ इतनी सुंदर रसोई बना करके हमें खिलाती हैं, आरोगती हैं। मत वहाँ वृंदावन वाली की तो ग्वालियर एकदम जानती ही नहीं, कभी इस रूप में भी कहते हैं। हमारी सज्जा गोपियाँ जैसे सुंदर बनाती थी, ये लोग उतना कर नहीं पाती हैं, इस रूप में प्रशंसा भी करते हैं। कभी कभी हम उनके साथ मिले थे उसकी चर्चा कभी चलाती हैं, चलाते हैं वो कृष्ण। ओहो अपने अत्यंत सुगंधित अग्रु जैसे सुगंधित अपने हस्तकमल को हमारे सिर पर वो कब रखेंगे? ऐसा कहते 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 वो फिर मूर्छित हो गई, अब फिर उठी नहीं। उद्धव जी भाव में देख करके तन्मय हो गए। तब वो कहते हैं आशाम हो चरण रेणी जुशाम हम श्याम वृंदावने किमत गुलम लता औषधि नाम जह दुस्सजन स्वजन आर्य पसंद हित्वा भेजे मुकुंद पदवी चरण। कहते हैं आशाम हो चरण रेणी जुशाम हो हमारा परम सौभाग्य जीवन का होगा, हमारे जीवन में परम सौभाग्य होवे यदि ए वृंदावने विशेष करे यही स्थाने उद्धव क्यारी একটি ধুলিখানা আমি যদি হতে পারি কোথাকার এই ব্রজের এই স্থানে। উদ্ধত থাকেন তিনি মথুরাতে, বলছেন সে এখানকার ধুলিকণার অভিমান যে কৃষ্ণ আমার, সে ওই কৃষ্ণকে ব্রজেন্দ্র নন্দন গোপিকা কান্ত সে রাধা কান্ত উনার প্রতি আমার অভিমান কি একটু হবে যা সেই কৃষ্ণ আমার, তা আমার যেন এই অভিমান হোক। কিসে হবে? বৈষ্ণব পদ ধুলি আর ভক্ত পদ ধুলি আর ভক্ত পদ জল ভুক্ত ভক্ত শেষ এই তিন সাধনের বল। আমার সাধন মে তিন চিজে বড় বলবান হ্যাঁ যো হমকো ভগবান কি তরফ লে যা সকতে, গুরু আর বৈষ্ণব কি চরণ কি ধুলি চরণের ধুলি আর চরণ ধৌত জল চরণামৃত বৈষ্ণবগণের ভগবানের চরণামৃত থেকে ও ভক্তগণের জল পদ বিশেষ প্রভাবকারী বলকারী আর ভুক্ত ভক্ত ভুক্ত শেষ বৈষ্ণবকে মুখ সে উচ্ছিষ্ট গুরুজি কে মুখ সে যে উচ্ছিষ্ট হ্যাঁ উচ্ছিষ্ট দো প্রকার কা কথামৃত আর মহাপ্রসাদ এ তিনো চিজো কা কিছু প্রকার সে সঙ্গ হো যায় তনিক ভি সঙ্গ হো যায় তো জীবন হমারা কৃতার্থ হো যায়গা আমরা ওই প্রেম তা লেতে পেতে পারি। উদ্ধব বলছেন যে সে আর তো কিছু সম্ভব হলো না, যদি গোপীগণের পদ ধুলি যদি আমার মস্তকে যদি পড়ে যায় তাহলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আর বলছেন বন্দে নন্দ ব্রজ স্ত্রী নাং পাদেনুম অভিক্ষণসা যা সাং হরি কথোদ গীত পুনাত ভুনাত। গোপীগণের লক্ষ কোটি গোপীগণ তাদের একটি গোপীর একটি চরণের একটি ধুলিকে যদি আমি বন্দনা করতে পারি তাহলে আমার জীবন সার্থক হয়ে যায়, একটি ধুলিকণাকে আমি বন্দনা করছি। গোপীও কি চরণ লাখ লাখ গোপীও কি চরণ ধুলি মে সে এক গোপী কি এক চরণ ধুলি কি যদি মে বন্দনা কর সকু তো হমকো গোপী ভাব আ সকতা হ্যাঁ ইসকা অতিরিক্ত আর কোই উপায় নেই। জিনকি কথা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কো এক সেকেন্ড মে পবিত্র করনে কি সামর্থ্য রাখতি হ্যাঁ ऐसे उनकी चरण धूली है गोपियों की चरण धूली, ऐसे गोपियों की चरण धूली की मैं वंदना करता हूँ। ये गोपियाँ हमारे ऊपर में प्रसन्न हो, यह धाम हमारे ऊपर में प्रसन्न हो, आप सब लोगों के ऊपर में यह धाम कृपा करें।
और उनकी वंदना करने वाले उद्धव जी भी हम लोगों पर यहाँ पर कृपा करें, जिसके नाम से उद्धव प्यारी है, हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाए और हमारी परिक्रमा का आने का सफल हमारा जीवन हो। यदि एक भाव यहाँ से एक बिंदु लेकर के गए, हमारा एक खनकार एक भाव बिंदु यदि कना लेते पारी, जीवन सार्थक हो जाए। अन्य संप्रदाय लोग एखने आसन में, अन्य कोई संप्रदाय का लोग उनसे अलक्षित ये सब स्थान है, महाप्रभावशाली और जगत के श्रेष्ठ स्थान है ये सब, ब्रज में भी श्रेष्ठ स्थान है। महाप्रभु इसी विप्रलम्ब रस का आस्वादन करने के लिए जगत में आए थे और यहाँ आकर के दिन रात रोते रोते बेहाल हो जाते थे। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से स्थान में आते थे। ऐसे देव दुर्लभ परम दुर्लभ स्थान में हम लोग आए हैं, यहाँ की चरण धूरी अपने सिर पर लेकर के हम लोग क्रमशः चलेंगे। পথে চল গৌর হরি বৈষ্ণব। একদিন কোন একটি গোপী দধি মক্খন নিয়ে যাচ্ছে, और श्याम सुंदर ने सखाओं के साथ में उसको भेज दिया। दधी का दान मांगने लग गए। खड़े है ना, देख लीजिए, एक तो अभी का दान अभी हो रहा था तो उनकी हड़िया लूट गई। अब देखिए वहाँ पर देख रही है ना कृष्ण खाने थे প্রতিদিন এসে দলবদ্ধ হয়ে এইখানেতে থাকতে, একটি লোক আর পার যেতে পারে। এদিকে দেখুন গৌরঙ্গ, আর এই দিকে আছে দেখো আর ধর শ্যাম রঙ্গ। কৃষ্ণ এই পর আকর কে খড়ে হয়ে যেতে আর গোপীয় সে তকরার হতি, গোপীগণের সঙ্গে এখানেতে বাদ বিবাদ হতো। ইনি দান মাংতে উনি বলতে ওরা বলতো যে কিসের দান, আজ পর্যন্ত কোনোদিন আমরা দান দিই নাই আর তোমাকে কোনোদিন দান নিতে আমরা দেখি নাই, এ তো নতুন রেওয়াজ কেন, এটি আমার ভূখণ্ড, অত এখানে থেকে যেতে গেলেই দান লাগবে। বলছে তোমার কিসে, এই নিয়ে খুব বাদ বিবাদ হতো। একদিন কোনো গোপীকে ধরেছেন আর ধরে তাহাকে বলেছেন যে তুমি এখানে দান দিয়ে যাও, বুঝে সে আমি দান দিব না, এই নিয়ে খুব তাহার সঙ্গে ধরাধরি ইত্যাদি হলো। তখন কৃষ্ণচন্দ্র ধরে তাহাকে তার দধি ইত্যাদি লুটে নিয়েছেন আর তাহার মস্তকের উপর রেখে উপর থেকে ঢেল মেরে দিয়েছেন। গোপী একেবারে দধিতে স্নান করে গেল মাখনেতে। তখন ওই গোপী শ্রীমতী রাধিকাকে বলেন যে কৃষ্ণ প্রতিদিন এইরকম হতে লুটালুটি দধি করে, কৃষ্ণ এসে হি প্রতিদিন করতে হ্যাঁ, বস ললিতা সখি কো কহা রাধা জি নে আজ কৃষ্ণ কো কিসি রূপ মে দুরুস্ত করনা হ্যায়, কৃষ্ণকে আজকে দুরুস্ত করতে হবে। এই জন্য তিনি কি করলেন, অনেকগুলি গোপীগণের দল এই কুঞ্জেতে লুকিয়ে দিলেন শ্রীমতী রাধিকা।
এদিকে বিশাখার দল, ওদিকে ললিতার দল, এদিকে চিত্রার দল, চারুদিকে দিয়ে তারা ঘেরে লুকিয়ে থাকলো। আজকে যদি শ্যাম সুন্দর যদি আসেন আর একটু যদি বদমাশি করেন তাহলে আজকে তার কামরা আচ্ছা করে এমন ভাবে শিখিয়ে দিব যে আর জন্মেতে তিনি নাম লিবেন না দধি উঠলা। কৃষ্ণচন্দ্র মনে করছেন যে সে আজকে গোপী কোনো একলাই আসবে আর তারপরে তাহাকে আমি এরকম হয়ে দধি লুটবো। গোপীরাও পূর্বে থেকে প্রস্তুত আছে, তাহলে সেই প্রস্তুত হ্যাঁ ও গোপিয়া। জবকি ও দধি লেকর কে আজ এক গোপী আই, পহলে সে উনমে থা, যদি তুমি কৃষ্ণ কুছ লুটে ফুটে আর তুমসে তকরার আর ঝগড়া করেন, তোমার সঙ্গে যদি কোনো রকম তকরার বাদ বিবাদ করে তুমি ভীষণ বাজিয়ে দিবে, অর্থাৎ তুমি কোনো এমন ভাবে কোনো চিহ্ন করবে যাতে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবগুলি পৌঁছে যাব আর ওকে ধরবো। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ তাহাকে এসেছেন, দধির দান মাংতে লাগলেন, সেটে কিছুতেই দান দিবে না, কাশি ভি দান নেই দেগি। অন্তমে লুটনা আরম্ভ কিয়া, হাত সে পকড়না আর ইধার উধার ছেড় ছাড় কাহানি আরম্ভ কর দি, বস উসনে সিটি বজা দি। মধুমঙ্গল, অর্জুন, লবঙ্গ, কৃষ্ণ ইত্যাদি জিতনে সখা থে, উনকো লাখো লাখো গোপিও কো দেখ করকে ডর গয়ে আর ডর করকে ভাগনে কি চেষ্টা কি, সবসে পহলে মধুমঙ্গল কো পকড় লিয়া, মধুমঙ্গল কে তারা ধরলো, পকড় করকে উনকে চোটি বাঁধ দিয়া, উসে উনকে পেড় কি ডাল মে চোটি বাঁধ দি আর গুলচে এসে লাগায়, দেখিয়ে এসা গুলচা মারা উনকো, গাল ফুলা দিয়া উনকা মধুমঙ্গল কা। মধুমঙ্গল রোনে লাগা, আর মে কান পকড়তা হুঁ, কবি নহি ইস ধর মে আউঙ্গা, ঝাঁকুঙ্গা ভি নহি, আমি আর এখানে আসবো না, আমি শপথ খাচ্ছি আমি আর আসবো না। তখন কৃষ্ণকে ধরে আর যে যে সখাগুলি ছিলেন তাদেরকে ধরে আবার তাদেরকে টিকি বেঁধে দিল, কেউ কেউ কুচি কর দিল, আর কৃষ্ণকে তাও ছড়লো না। কৃষ্ণকে কি করলো, কৃষ্ণকে জোর করে দিয়ে লহঙ্গা পরিয়ে দিল, উনকো আপনি লহঙ্গা পহনা দিয়া, লহঙ্গা মানে ঘাঙরা, ঘাঙরা পরিয়ে দিল জোর করে। দু চারটি গোপী তাকে ধরে তুলে নিল আর তুলে উঠা করকে আর উনকে প্যার সে লেকর কে ইহাঁ তক পহনা দিয়ে আর এক আপনি চুনরি উনকো উড়া দিয়া আর উনকো ওয়েসে হি গোপী জ্যাসা সিন্দুর আর ইয়ে সব কর দিয়া, উনকো সখী বনা দিয়া আর উনকে উপর মে তার উপরে তে দধি ভাণ্ড একবারে রেখে দিল আর ললিতা বিশাখা এদিকে দিকে যে আর ওখানেতে ঢেল মার আর ও ফুট গাই গগরি আর সব কৃষ্ণ স্নান করলে আর সব গোপী তালি বাজা কর। ললিতা জি নে কহা কান পকড়ো জব ফির মে নহি আউঙ্গা, তুমি কান ধরো আর আর আসবে না তো। কৃষ্ণ জি রোনে লগ গে আর পাইয়া পকড় লে, অব এসা নহি করেঙ্গে, তো তুম তো কহতা থা উস গোপী কো কহা কৃষ্ণ নে পহলে পহলি বালি কো। গোপী নে কহা যে ভাই যা করকে হাম কংস সে কহ দেঙ্গে, আমি কংস কে বলে দিব আর কংস তোমাকে এসে দুরুস্ত করবে। কৃষ্ণ কি বললেন, কৃষ্ণ বললেন যে এসে এইটি কি তোমার খসম নাকি কংস, খসম মানে কি তোমার ভর্তার নাকি? গোপী বলে যে আজকে তোমার ভর্তার কই, আজকে গোপীরা ধরলো যে তোমার ভর্তার এখন কোথায়, এখন তুমি তোমার ভর্তারকে ডেকে নিয়ে এসো। এইরকম হতে দান প্রতিদান এই সমস্ত লীলার স্থানগুলি, সন্ধ্যা হয়ে যাবে আমাদেরকে ওখানে যেতে হবে রাস্তাতে, আরো সব জায়গাতে বসবো, এখানে বসলে তারা রাত হয়ে যাবে। আমি আগে
যখন এই কুঞ্জের এইরকম স্থিতি তখন 5000 বছর পূর্বে যখন প্রকৃতি নিজে হাতে থেকে লক্ষ্মী দেবী নিজে হাতে থেকে একে শৃঙ্গার করেছে তাকে সুন্দর করে সমাহার দিয়ে থাকে তখন এই কুঞ্জের স্থিতি কি রকম হবে রাধা কাপড় আর খুলবে কাপড় আপনার
This is Charan Pahari, you know? Foot sprint and very big size. কাদার মধ্যে পা রাখলে কত বড় চরণে ভগবান ভগবান পিছনে পিছনে আসুন মাধব ভক্তি জননী যশন পালন করনি মাধব দিদি ভক্তি জননী যশন পালন করনি কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি পরম আরনি মাধবী মধুর মুরলি কা তান এসে পঞ্চম স্বর সে ছোড়ি পঞ্চম স্বর মানে কে কৃষ্ণ কা পঞ্চম স্বর তক হ্যাঁ গোপিও কা কে হ্যাঁ পঞ্চম স্বর সে কৃষ্ণ ছোড়া और ऐसे मूर्छना ताल से छोड़ा मूर्छना राग मूर्छना माने क्या होता है ऊपर में चढ़ते चढ़ते और नीचे से धीरे 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 कांपता हुआ आस्वाद नीचे आया एकदम पत्थर उसमें पिघल गए पाथर पर तो पिघले गए और जो जो यहाँ पर था वो सबका चरण चिन्ह भी सुने 5000 वर्ष के से भी और पुराने ग्रंथ हैं गर्ग संहिता इत्यादि है व्यासदेव का रचित बड़ा पुराण इत्यादि है जिसमें से हमारे रूप गोस्वामी जी ने और एक और थे उन्हीं के समसामयिक ब्रज भक्ति विलास उन्होंने लिखा है उसमें इन सब का सब जहाँ जहाँ ब्रज में जो जो चिन्ह है नारायण भट्ट ब्रज विलास लिखा उसमें जहाँ जहाँ जो जो चिन्ह है और जो जो सरोवर कृष्ण के स्मृति में जो जो कुछ मंदिर है जो कुछ उस समय में सब का उन्होंने पुंखानुपुंख रूप में वर्णन किया बोले जैसे यहाँ पर हरणिका कैसे आया कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो हिरण इत्यादि से जो जो पशु पक्षी ये मरुभूमि के बीच में ये है इसलिए ऊंट भी यहाँ पर होते थे अभी भी चारों तरफ में देखता है ना कोसी में इधर में मथुरा में चारों तरफ ऊंट की गाड़ियाँ हैं यहाँ से पासी में और थोड़ा सा इधर में चले जाएंगे
और एकदम तो महाराज जी थोड़े ऊँट रहे ने पहले बहुत ऊँट पहले बहुत ही ऊँट हाथियां हाथियाँ भी थी बड़े बड़े राजा राजवाड़ों के हाथियां भी थी। जंगल ये साधारण जंगल नहीं बड़ा घना घोर जंगल होगा जो पहले महात्मा घोड़ा रखते हैं तो ये घना घोर जंगल इसमें आना सच बात नहीं। अभी देखिए ना इस समय में भी इतना रास्ता घाट सब होने पर भी इतना आना कष्ट शहर के लोगों को पता नहीं है ये देहातों में चलने में कैसा कष्ट होता है। रामचंद्र जी को बन जाने में कितना कष्ट हुआ होगा कोई रास्ता घाट उस समय था कृष्ण को उच्चारण करने के लिए जाते थे तो गैया कोई अच्छा मार्ग देख करके लोगों से पूछ करके चलती थी कांटे कुछे बड़े बड़े पत्थर जंगल झाड़ ऐसा। अब ये तो बहुत अब तो बहुत कुछ पट गया है मैंने क्या मट्टी टट्टी सब चारों तरफ से होकर के सुगम रास्ता सब बन गया है। पहले इतना सुगम ब्रज में रास्ता घूमना नहीं था। हम लोग गुरु जी के साथ में आज से 45 वर्ष पहले बद्रीनारायण केदार में गए थे उसमें कोई रास्ता नहीं था कोई बस नहीं जाती थी प्राण आदमी हथेली पर लेकर के चलता था प्राण हाथे रूप में नहीं चलते पाथर गुली पोड़ छे पत्थर वहां से गिर रहा है बालू कहीं बालू जैसा यदि चले जाएंगे 4-5 माइल 6 माइल नीचे चले जाएंगे एकदम एकबारे नीचे माझे माझे एखने से बाँस गुली एक चक्कर यदि एदिगे चले जाए सब लोग कुथाए जी चले जाए आर तांदर लाश पावा जाए उनकी लाशें नहीं मिलती हैं अभी भी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए ये रकम होते सब दुर्गम